तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्ली मुगल एम्पायर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है अर्ली मुगल एम्पायर, ये है 1526 से 1707 एडी तक। इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं अर्ली मुगल एम्पायर। अब एक्चुअली बात यह है कि जो तो मुगल पीरियड है पूरा, वो दो फेज में बांटा गया है हिस्टोरियंस के द्वारा। पहले अर्ली मुगल्स जो 1526 से 1707 तक रहते हैं, और उसके बाद लेटर मुगल्स जो 1707 से 1857 में आते हैं। तो एक्चुअली 1526 से 1707 वाला जो पार्ट है, ये मिडाइवल इंडिया में काउंट होता है, मिडाइवल इंडिया में काउंट होता है, और ये मुगल्स काफी पावरफुल होते हैं, इसलिए इनको अर्ली मुगल एम्पायर बोला गया। वहीं उसके बाद के जितने सारे मुगल्स आते हैं वो काफी नालायक होते हैं और कमजोर होते हैं। और 1707 के बाद क्योंकि मॉडर्न चालू होता है, इसलिए लेटर मुगल्स के बारे में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। वहां पे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर करके चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे लेटर मुगल्स। तो अर्ली मुगल्स में सबसे पहले आते हैं बाबर। सबसे पहले आते हैं, पहले मुगल एम्परर होता है बाबर। इनका टाइम पीरियड 4 साल का होता है, 1526 से 1530 के बीच में। जिस तरह पिछले क्लास में मैंने बताया था कि वो फरगना के होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड में देखते हैं बाबर का। सो बाबर असेंडेड द थ्रोन एट फरगना। फरगना में वो थ्रोन पे आते हैं इन 1494 एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। जब वो 12 वर्ष के ही होते हैं अपने पिता के डेथ के बाद, वो फरगना के थ्रोन पे आते हैं। इस वक्त सेंट्रल एशिया में जो कंडीशन था, पॉलिटिकल कंडीशन था, वो काफी तितर बितर था, इट वॉज नॉट स्टेबल। और इसके कारण बाबर को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था सेंट्रल एशिया में अपने नोबल्स से। नोबल्स काफी पावरफुल थे और बाबर को उनका सामना करना पड़ा था काफी दिक्कतों से। कुछ एरिया वो खो चुके थे सेंट्रल एशिया में बाकी पावरफुल लोगों के कारण, बट ही वॉज एबल टू कैप्चर समरकंद वेरी सून एंड ही हैड टू रिट्रीट बिकॉज ऑफ डेजर्शन ऑफ सम ऑफ हिज नोबल्स। वो इवन की फरगना तक खो देता है, फरगना जिसके थ्रोन पे आता है, फरगना तक बाबर खो देता है ड्यू टू उज़्बेक्स। उज़्बेकिस्तान वाले लोग, साइड के लोग को उज़्बेक्स कहते हैं, उनके कारण उनका फरगना का थ्रोन भी चला जाता है। इस पूरे पीरियड में उनके पास एक प्लान होता है, जब उनका सीट चला जाता है फरगना एंड ऑल का, तो उनके पास एक प्लान होता है कि वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़े आगे। लेकिन इस चीज को एक पुश चाहिए था, एक मोटिवेशन चाहिए था। तो फाइनली फ्रॉम 1517 ही मेड डिसाइड टू गो टुवर्ड्स इंडिया। वो डिसाइड करता है कि चलना है अब हमें भारत की ओर। और इंडिया में भी उस समय काफी अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो चुका था सिकंदर लोदी के डेथ के बाद, जिसके कारण बाबर ये कन्विंस हो गया था कि जो लोदी एम्पायर है वो टूट चुका है और उनके पास कोई पावर अब बचा नहीं है जो बाबर को रोक सके। उसी बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कुछ अफगान चीफ्स में विद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और अफगान चीफ के बीच में कुछ मनमुटाव हो जाता है। उसमें से जो सबसे प्रोमिनेंट था वो था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी ये गवर्नर ऑफ पंजाब था उस समय, प्लस राजपूत किंग मेवाड़ के राणा सांगा, ये भी काफी एसर्टिव हो रहे थे इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट। और ये भी राणा सांगा भी अपना जो पावर है वो इंक्रीज करना चाह रहे थे नॉर्थ इंडिया में। तो इसलिए दौलत खान लोदी और राणा सांगा दोनों ने बाबर को खत लिखा और बोला कि आइए और आप भारत को इन्वेड कीजिए। दौलत खान लोदी और राणा सांगा दोनों ने खत लिखा बाबर को कि आइए और भारत को इन्वेट कीजिए। और ये इनविटेशन जो राणा संगा और दौलत खान लोदी से मिला बाबर को,
ये चीज बाबर को और एनकरेज करता है हिंदुस्तान की ओर आने का और अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने का। फिर आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। बाबर हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा होता है एंड ही वाज सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग भीरा नाम का जगह इन 1519, सियालकोट 1520 एंड लाहौर इन 1524। धीरे धीरे ये दिल्ली की ओर बढ़ता है। फाइनली इब्राहिम लोदी और बाबर की जो फौजें हैं वो मिलती हैं पानीपत के फील्ड में इन 1526। बाबर की जो आर्मी थी, फोर्स थी, वो काफी कम थी, लेकिन उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, उनका जो ट्रेनिंग था, वो काफी सुपीरियर था। वो जो इस आर्मी के साथ आया था वो काफी एक्टिव आर्मी थी और उनके पास 12,000 सोल्जर्स थे। They had 12,000 soldiers, लेकिन काफी well organized ये 12,000। वहीं इब्राहिम लोदी के आर्मी का बात करें तो उनका जो एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ था लगभग 1,00,000 सोल्जर था उनके पास, एक तरफ 12,000 और एक तरफ 1,00,000। लेकिन बाबर का जो टैक्टिक्स था, जो स्ट्रैटेजी था, उसने जो युद्ध में यूज किया वो क्या अप्लाई करता है, रूमी या ओटोमन मेथड ऑफ वॉरफेयर कहते हैं। जिस टैक्टिक्स को वो वॉर में अप्लाई करता है उस टैक्टिक्स को रूमी या फिर ऑटोमन मेथड ऑफ वॉरफेयर बोलते हैं। इसमें यह था कि वो इब्राहिम की आर्मी को दो तरफ से घेर लेता है। ये यहाँ पे इब्राहिम की आर्मी है तो बाबर इधर से भी और इधर से भी फ्लैंक से घेर लेता है और इन द सेंटर इज कैवेलरी माउंटेड ऑटोमन गनर्स अटैक्ड विद एरोज एंड गन फायर्स। और यहाँ पे सेंटर में चलते आ रहा है गनर्स, घोड़सवार जिनके पास गन है, जो घोड़ा चलाते चलाते गन एंड ऑल ये सब चलाते हैं। तो यहाँ पे पहली बार गन पाउडर एंड ऑल लोग भी बोलते इस्तेमाल हुआ, लेकिन हम लोग पहले भी देखे थे कि वो किसी और बैटल में यूज हुआ था। प्लस इनकी जो आर्मी थी अपनी खुद की इस साइड, और इधर से भी इनकी ये वाले आर्मी लोग जा रहे थे इनके तरफ, इब्राहिम लोदी की आर्मी 1,00,000 की फोर्सेस, तो ये लोग यहाँ पे एक्चुअली गड्ढा खोदे हुए थे, आगे इधर बढ़ रहे थे और पीछे में जो रिजर्व आर्मी एंड ऑल वो सब आर्मी है वहां पे गड्ढा खोदे हुए थे। इसको बोलते हैं ट्रेंच, तो बोलते हैं ट्रेंच। तो ये ट्रेंच एक बैरिकेड की तरह काम कर रहा था और एडिक्वेट डिफेंस प्रोवाइड कर रहा था बाबर की आर्मी को। सो द अफगान आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी हैड टू सफर हेवी कैजुअल्टीज। बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज होता है इब्राहिम लोदी के आर्मी को और इब्राहिम लोदी एक्चुअली खुद मर जाता है बैटल फील्ड में। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ही वाज द फर्स्ट दिल्ली सल्तनत सुल्तान टू डाई इन द बैटल फील्ड। और इस तरह फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत खत्म होता है और बाबर यहाँ पर विजयी होता है और बाबर आ जाता है तुम्हारा थ्रोन पे दिल्ली का इब्राहिम लोदी को हरा के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसके बाद जब वो दिल्ली की गड्डी पे बैठा हुआ होता है बाबर, उसके सामने कुछ और चैलेंजेस होते हैं। देखते हैं एक एक करके क्या क्या चैलेंजेस था बाबर के सामने। सो द चैलेंजेस बिफोर बाबर आफ्टर विक्ट्री एट पानीपत, पानीपत में जीतने के बाद भी चैलेंजेस क्या क्या। पहला चैलेंजेस ये था कि जब वो दिल्ली में था, हिज नोबल्स एंड कमांडर, जितने भी नोबल्स और कमांडर थे वो लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया में रुके, वो वापस सेंट्रल एशिया जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें भारत का वातावरण, भारत का क्लाइमेट पसंद नहीं आता है और उन्हें अपना कल्चर जैसा कुछ फीलिंग नहीं आता इंडिया में। दे वर फीलिंग कल्चरली वेरी एलियनेटेड, उन्हें कल्चर भी पसंद नहीं आया और यहाँ का वेदर भी पसंद नहीं आया, तो वो जिद कर रहे थे कि चलो चलो ले चलो बाबर को वापस सेंट्रल एशिया। पहला काम तो था उनको बाबर को कि इनको मनाना। अब दूसरा था कि राजपूत, अब राजपूत हम जैसा कि बताया कि जैसे ही थोड़ा सा वीक होता था दिल्ली सल्तनत, ये लोग अपने इलाका में ही अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर देते थे और उसके बाद दिल्ली के ऊपर आंख गड़ाए रहते थे ये लोग। तो द राजपूत वेयर ऑल्सो रैलिंग अराउंड, इसके लीडरशिप के अंदर राणा संगा के अंदर द किंग ऑफ मेवार, और ये चाहते थे मुगल फोर्सेस को यहां से भारत से हटाना।
तीसरा चैलेंज ये था कि जो अफगान्स थे वो तो पूरी तरह खत्म नहीं हुए, ईस्टर्न रीजन याद करो वो भी था तुम्हारा लोदी के भाई के पास जो इब्राहिम लोदी छीन लिया था, यानी बंगाल बिहार यूपी वाला इलाका। तो वो लोग तो पानीपत पे हार गए थे, लेकिन वो लोग काफी पावरफुल फोर्स थे तुम्हारा ईस्टर्न यूपी बिहार एंड बंगाल में। तो वो लोग वहां पे रीग्रुप कर रहे थे ताकि जो अपना टेरिटरी खोए हैं, अपना जो गड्डी खोए हैं, वापस उसको रिक्लेम कर सके। तो बाबर सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं अपने कंपेनियंस को, कमांडर्स और नोबल्स को कि रुको रुको थोड़ा दिन रुक जाओ। उसके बाद जितना भी टेरिटरीज एंड ऑल होते हैं अपने पावर को एकत्रित करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। उसके बाद जब ये दोनों टास्क उनका खत्म हो जाता है तो उसके बाद अपने बेटे को यानी हुमायूं को अफगान से लड़ने के लिए ईस्ट में भेज देते हैं। सबसे पहले नोबल्स के लिए क्या किया, उनको मनाया, राजपूत का देखते हैं आगे क्या हुआ, और तीसरा तुम्हारा अफगान्स वालों को के लिए अपने बेटे हुमायूं को भेज दिया गया। अब देखते हैं राजपूत में ये लोग क्या करते हैं, क्या होता है उनके साथ, उनके साथ ऑब्वियसली युद्ध होता है। तो द बैटल ऑफ खानवा इन 1527, इस बैटल में बाबर और राणा सांगा की आर्मियां दोनों आती हैं एक जगह पर जहां खानवा नाम का जगह, ये खानवा नाम का जगह फतेहपुर सिकरी के पास है। बाबर के पास करीब करीब 10,000 की फोर्सेस होती है, वहीं राजपूत को सपोर्ट किया जाता है मोहम्मद लोदी जो अफगान्स का था, प्लस अलाउद्दीन शाह विथ 50,000 फोर्सेस। तो राजपूत के साथ अफगान्स आ गए और टोटल इनका फोर्सेस हो गया 50,000 और बाबर का फोर्स था 10,000। इस बैटल में बाबर ने फिर अपना सुपीरियर टेक्निक इस्तेमाल किया, इसको बोलते हैं तुलघुमा, तुलघुमा कैवलरी हैविंग कनाल्स माउंटेड एट टॉप नियर बाय ट्रेंचेस। इसका मतलब यह है जैसे एक गड्ढा खोदा हुआ है और यहाँ पर बाबर की आर्मी है, तो यहाँ पे घोड़ा एंड कैमल ये सब रहेगा, घोड़ का सवार वाला रहेगा और इस सारे घोड़े और कैमल्स पे क्या होगा, कैनाल्स यानी तोप माउंट किया जाएगा ताकि तोप आसानी से हिल सके, जा सके इधर उधर आराम से, इस तरह माउंट किया जाएगा। तो आगे में तोप, पीछे आर्मी और आगे में गड्ढा, इस तरह का किया गया। इस बैटल में राणा सांगा हार जाते हैं। राणा सांगा हारने के बाद खुद ही के आर्मी के द्वारा पॉइजन कर दिए जाते हैं और इस तरह राणा सांगा का डेथ हो जाता है। इस डिफीट के साथ राणा सांगा जो बिगेस्ट चैलेंज था नॉर्थ इंडिया में बाबर के लिए वो समाप्त हो जाता है। राणा सांगा इज एलिमिनेटेड, उनकी खुद की आर्मी ने उनको पॉइजन देके मार दिया उनके हारने के बाद। तो नॉर्थ इंडिया में राजपूत शांत हुए। नेक्स्ट इज फेमस बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528। इसमें भी राजपूत जो थे दे फॉट वायलेंटली इन चंदेरी बट बाबर फेस्ड लिटिल डिफिकल्टी इन ओवरकमिंग। यहाँ पे भी राजपूतों ने काफी ब्रेवरी के साथ लड़ा लेकिन बाबर ने उसको भी ओवरकम कर लेते हैं। यहाँ पे जो किंग थे वो मेदिनी राय थे, मेदिनी राय। तो इस डिफीट के साथ जो राजपूत का रेजिस्टेंस हो रहा था वो कम्प्लीटली सैटल, कम्प्लीटली राजपूत जो है वो क्लोज हो जाते हैं यहाँ पे। हाउएवर बाबर गॉट मैरिड हिज सन हुमायूं विद द डॉटर ऑफ मेदिनी राय। तो राजपूत एक्चुअली काफी पावरफुल थे लेकिन भरोसेमंद भी थे, तो इसीलिए बाबर ने क्या किया कि अपने बेटे हुमायूं का शादी मेदिनी राय की बेटी के साथ करा देते हैं ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाए तुम्हारा राजपूत के साथ। इसके बाद ही हम लोग देखना शुरू करेंगे कि कोई भी अगर आता है तुम्हारा नॉर्मली मुगल एम्परर तो वो राजपूत के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहता है। फिर आता नेक्स्ट बैटल ऑफ घाघरा 1529। अभी तक अफगान्स जो है वो उत्पात मचा ही रहे हैं, तो नाउ बाबर हैड टू टैकल अफगान्स। अफगान्स ने भले ही दिल्ली सरेंडर कर दिया हो लेकिन वो भी पावरफुल थे ईस्ट में अभी। सो द बैटल टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड अफगान्स, बाबर और अफगान्स के बीच में फिर से एक बैटल होता है, लेकिन इस बैटल का कोई तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ पाता कि कौन हारा कौन जीता और बाबर को फाइनली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अफगान्स के साथ। और इस कॉम्प्रोमाइज के साथ
उनको लगने लगा कि अब भारत में उनके लिए कुछ नहीं रखा है, कॉम्प्रोमाइज हो गया अफगान के साथ, प्लस उनके जो नोबेल्स है वो अभी भी जिद कर रहे हैं कि घर जाना है घर जाना है. सो ही हैड डिसाइडेड टू गो बैक टू सेंट्रल एशिया. बाबर ने डिसाइड कर लिया कि वो काबुल वापस चला जाए, लेकिन जान पैकिंग करने से पहले ही 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती. अगर वो चला जाता तो आज हमारा हिस्ट्री कुछ और होता और हमको ये चैप्टर नहीं पढ़ना होता, शायद कोई और चैप्टर पढ़ रहे होते. चलो देखते हैं उसके बाद कौन बनता है नेक्स्ट मुगल एम्परर. तो द नेक्स्ट मुगल एम्परर यहां पर है हुमायूं. हुमायूं का दो टर्म है, पहला टर्म, फिर बीच में ब्रेक होता है, कुछ और रूलर्स आते हैं, कुछ और डायनेस्टी आती है, फिर इनका सेकेंड टर्म चालू होता है. तो जो फर्स्ट टर्म था ये तुम्हारा 10 साल का था लगभग, 1530 से 1540 के बीच में, और इधर लगभग 1 साल का था. तो हम लोग फर्स्ट टर्म देख रहे हैं ये वाला. सो बाबर का डेथ हो गया होता है 1530 में, और उसका बेटा हुमायूं सक्सीड करता है बाबर को. लेकिन हुमायूं के थ्रोन पे आने के बाद भी काफी चैलेंजेस रहता है हुमायूं के आगे. देखते हैं ये सब क्या चैलेंजेस होता है हुमायूं के सामने. So the newly conquered territories and administration was not consolidated. अभी तक बाबर पूरी तरह consolidate, एकत्रित नहीं कर पाए थे अपनी शक्तियों को, अपने territories को, जो भी वो जीते थे. तो अपने power को, अपने territory को एक साथ लाना था हुमायूं को, ये सबसे बड़ा challenge था और सबसे पहला challenge था हुमायूं के आगे. Unlike बाबर, हुमायूं did not command the respect and esteem of Mughal nobility. जिस तरह nobles मुगल नोबल्स जो थे वो बाबर को रेस्पेक्ट करते थे, उस तरह हुमायूं को अभी तक वैसा कमांड इन नोबल्स के ऊपर नहीं मिला था. प्लस हम लोग बोले थे कि जो बाबर बिलोंग करते हैं वो छगतई टर्क्स नामक फैमिली फार्म नामक ग्रुप से बिलोंग करते. तो जो नोबल्स थे छगतई नोबल्स, वो भी काफी इंक्लाइंड नहीं थे हुमायूं के प्रति, इंक्लाइंड नहीं थे, जो कि उनके साथ होना चाहिए था, बल्कि हुमायूं को वो उतना सपोर्ट नहीं दे रहे थे जितना देना चाहिए. अगर बात करें इंडियन नोबल्स का, कुछ बाबर को ज्वाइन किए थे बाबर के सर्विस में, लेकिन उनके मरने के बाद हुमायूं के एक्सेशन के ऊपर, हुमायूं जब थ्रोन पे आता है उसको मुगल्स को छोड़ के चले जाते हैं इंडियन नोबल्स. प्लस ही ऑल्सो कॉन्फ्रंटेड द हॉस्टिलिटी ऑफ अफगान्स. अफगान्स के साथ भी इनका जो ऊपर नीचे चल रहा था वो चलता है, स्पेशली विद शेर खान इन बिहार ऑन वन हैंड एंड बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात ऑन द अदर. शेर खान अफगान थे जो रूलर थे बिहार के साइड के, और बहादुर शाह जो गुजरात साइड के, इनके साथ भी इनका लड़ाई पे कन्फ्रंटेशन चलता है. अगर तिमुरिड ट्रेडिशन का माने, तिमुरिड मतलब बाबर वाला फैमिली एंड ऑल, इसका जो ट्रेडिशन मानता है उसको तिमुरिड ट्रेडिशन बोलते हैं. बाबर एंड ऑल ये लोग तिमुरिड्स के नाम से भी फेमस है. सो एज पर तिमुरिड ट्रेडिशन, हुमायूं हैड टू शेयर पावर विद हिज ब्रदर्स. हुमायूं को एक्चुअली अपना पावर शेयर करना था अपने भाइयों के साथ. और इस तरह द न्यूली मुगल एम्पायर हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर, दो सेंटर ऑफ पावर बन जाता है बाबर के मरने के बाद. क्यों? क्योंकि तिमुरिड कल्चर के हिसाब से हुमायूं को पावर शेयर करना था अपने भाइयों के साथ. तो जो पहला सेंटर ऑफ पावर रहता है वो दिल्ली, आगरा एंड सेंट्रल इंडिया वाला इलाका रहता है, जो कि कंट्रोल में रहता है हुमायूं के. वहीं दूसरा जो था, अगर कंबाइन कर दो अफगानिस्तान एंड पंजाब वाला इलाका, तो वो कमरान हुमायूं का भाई, अलवर नाम का जगह जो हिंदल के हाथ में था, हिंदल दूसरा भाई, कमरान हिंदल और अस्करी तीसरा भाई था, इसके पास संभलपुर वाला इलाका था. कमरान हिंदल एंड अस्करी वेयर अदर ब्रदर्स ऑफ हुमायूं, इनके साथ पावर शेयर किया गया इस तरह. और दो सेंटर ऑफ पावर, एक हुमायूं के हाथ में और एक बाकी तीनों भाई के हाथ में. So, यहां पे हम लोग देखेंगे कि हुमायूं का कॉन्फ्लिक्ट होता है कैसे शेरशाह सूरी या शेरशाह सूर से. जो अफगान वाला था शेरशाह, बिहार बंगाल वाला इलाका, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है हुमायूं का. So, we'll study हुमायूं's conflict with शेरशाह सूर. तो इसमें फेमस है बैटल ऑफ चौसा इन 1539. सो बाय 1538 हुमायूं जो है वो मार्च करता है किसके तरफ, बिहार की तरफ, ताकि अफगान से वो
टैकल कर पाए। एक्चुअली वहां पे रिवोल्ट चल रहा था अंदर शेरशाह सूर बंगाल में। तो जब शेरशाह सूरी को पता चला कि हुमायूं चल पड़ा है दिल्ली से, यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे बिहार है और यहाँ मान लो दिल्ली। तो हुमायूं जब चला और यहाँ बिहार पहुंचता है तो शेरशाह सूरी बिहार से भाग के आ जाता बंगाल, बिहार से भाग के आ गया बंगाल, शेरशाह वेंट टू बंगाल। तो हुमायूं उसको पकड़ने के लिए आगे जाता है और बंगाल पहुंच जाता है। अब हुमायूं आ गया बंगाल में, तो शेरशाह स्ट्रेटेजिकली क्या करता है, ये बंगाल से निकल के ऐसे वापस बिहार घुस जाता है और बिहार में जाके वेट कर रहा होता है तुम्हारा कि ये इधर से रिटर्न आए और पूरा थका हुआ इसका आर्मी आए। और ऑब्वियसली बिहार की तरफ हायर ग्राउंड लेकर रहता है, ऊंचाई पे रहता है और नीचे से आएगा कौन, तुम्हारा मुगल आर्मी। सो ऑब्वियसली ऐसा बात है कि अगर ऊंचा पे हो तो तुम लोग को स्ट्रेटेजिकली एडवांसमेंट मिलता है ताकि शूट कर सको, आसानी से दिखेगा, लेकिन नीचे से ऊपर शूट करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि दिखते ही नहीं। तो वो बिहार की तरफ मूव करके रहता है और वहां पे होल्ड करता है। लेकिन इसी बीच जो कमरान उसका भाई रहता है हुमायूं का, वो प्रॉमिस हुआ करता है क्या हुमायूं को कि इस बैटल में उसका हेल्प करेगा, लेकिन धोखा दे देता है एन वक्त पे और क्या करता है, आगरा का ट्रेजरी चला जाता है लूटने हिंडल के साथ मिलके। कमरान और हिंडल मिलके पीठ पीछे छुरा भोंक देते हैं हुमायूं का और वो लोग चले जाते हैं आगरा से पूरा माल लूटने और यहाँ पे ये बैटल में फंसा हुआ है। तो 1539 में होता है बैटल ऑफ चौसा जो कि बक्सर के पास है बिहार में, नियर रिवर करमनसा। यहाँ पे शेरशाह अटैक करते हैं हुमायूं को व्हाइल ही वाज रिटर्निंग टू आगरा। हुमायूं को बंगाल में ही अकेले पता चल जाता है कि उसका भाई कमरान और हिंडल जो है वो दिल्ली का ट्रेजरी पे आंख गड़ाए और लूट के निकल रहा है, तो इसको अब वापस आगरा जाना है, इसको वापस आगरा जाना। लेकिन रास्ता कौन छेके हुए है तुम्हारा, शेरशाह सूरी बिहार में बक्सर में छेके हुए, कैसे जाएगा। तो वहां पे लड़ाई होता है, हुमायूं यहाँ पे बहुत मुश्किल से बच के निकल पाता है लेकिन मोस्ट ऑफ द आर्मी जो है हुमायूं का वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय, और बहुत डिफिकल्टी के साथ छिप छुपा के वो आगरा पहुंचता है हुमायूं। जब वो आगरा पहुंचता है तब तक उसका भाई कमरान और हिंडल जो होता है ये लोग निकल जाता है आगरा से और लाहौर की तरफ चला जाता है। हुमायूं के पास अब बहुत काफी स्मॉल फोर्स बचा हुआ था, आधा तो खो दिया, आधा इधर निकल गया आगरा में लोग के साथ निकल गया कमरान और हिंडल के साथ मिलकर। सो उसके पास काफी स्मॉल फोर्स रहता है और ये बात पता था किसको, शेरशाह सूरी को जो अभी बिहार में, और ये बात जब उसको पता लगा तो वो चल गया आगरा की तरफ। उसको पता था कि वो हुमायूं को आसानी से हरा के दिल्ली का गड्डी को प्राप्त कर सकता है। और अब चलता है शेरशाह सूरी हुमायूं को हराने आगरा, और ये बात जब हुमायूं को पता चलता है तो हुमायूं भी आगरा से अपना छोटा सा फोर्स लेके चलता है किसके तरफ, तुम्हारा शेरशाह सूरी के आर्मी की तरफ, और दोनों के बीच में होता है यहाँ पे बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम इन 1540। हुमायूं केम फॉरवर्ड विथ हिज आर्मी एंड बोथ द आर्मीज क्लैश्ड एट कन्नौज, दोनों आर्मी आती है और कन्नौज में एंड होता है दोनों को। इस बैटल में हुमायूं हार जाता है, बुरी तरह हारता है, ही वाज डिफीटेड बैडली इन दिस बैटल, और उसके बाद भाग जाता है वो किंग मालदेव के पास, किंग मालदेव के पास भाग जाता है, किंग मालदेव के पास चला जाता है जो कि मरवाड़ के राजा होते हैं, एक राजपूत रूलर होता है, राजपूत में सबसे पावरफुल स्टेट होता है किंग मालदेव। एक्चुअली बाबर ने ही हुमायूं को यह दिया था कभी भी प्रॉब्लम में हो कुछ भी हो तो राजपूत के पास चले जाना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, बात यहाँ पे ये था। और ये राजपूत के पास चला जाता है। लेटर बाय 1542 वहां से मरवाड़ से निकल के हुमायूं अमरकोट जाता है जहां पे एक्चुअली अकबर का जन्म होता है, और फिर वहां पे वहां से जो हुमायूं है चला जाता है पर्शिया की ओर, अमरकोट से फिर वापस हुमायूं चला जाता है कहां, जहां से आया था, पर्शिया की ओर। क्यों? क्योंकि बाबर का काफी अच्छा संबंध था पर्शियन किंग्स एंड लॉर्ड्स। तो जो पर्शियन किंग थे ईरान के किंग शाह अल्तमश, उनका नाम था शाह अल्तमश, उनके साथ इनका एग्रीमेंट होता है कि शाह अल्तमश हेल्प करेगा हुमायूं को और हाजी बेगम जो इसकी वाइफ थी कि वो लोग इंडिया को वापस अपने हाथ में ले सके, टू रिटेन।
तो इस वक्त तक क्या होता है कि मुगल्स बीच में लंच ब्रेक लेते हैं और सेकंड अफगान एम्पायर शुरू होता है तुम्हारा दिल्ली में। पहला अफगान एम्पायर जो था तुम्हारा लोधी था, सेकंड अफगान एम्पायर जो है तुम्हारा यहाँ पे आता है शेरशाह सूरी के अंदर। ये करीब करीब 15 साल का है टाइम पीरियड, 1540 से 1555। तो द फर्स्ट अफगान किंगडम अंडर द लोधी वॉज रिप्लेस बाय द मुगल्स। लोधी को हटा के कौन आए थे? मुगल्स, बाबर आए थे 1526 में, और 14 साल बाद शेरशाह आते हैं और अफगान रूल फिर से एस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में अराउंड 1540। और शेरशाह और उसके बाद के जो लोग रहते हैं, सक्सेसर्स रहते हैं, वो काफी 15 साल तक नेक्स्ट रूल करते हैं और इसी 15 साल को बोला जाता है सेकेंड अफगान एम्पायर। तो द सेकेंड अफगान एम्पायर के जो सबसे पहले रूलर थे वो थे शेरशाह सूरी, एंड हिज टाइम पीरियड वॉज फ्रॉम 1540 से 1545। चलते हैं देखते हैं शेरशाह सूरी का बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो शेरशाह सूरी के बारे में ये है कि जब शेरशाह सूरी का जो ओरिजिनल नेम है वो फरीद था, फरीद, ग्रैंडफादर वाज इब्राहिम शाह सूर, इनको सूर डायनेस्टी भी बोला जाता है, एंड हिज फादर वाज हसन शाह सूर। ये एक जागीरदार थे ससाराम के, ससाराम नाम जगह है बिहार में, वहां के जागीरदार थे। जब शेरशाह यानी फरीद बहुत छोटा था, उसकी माँ मर चुकी थी, काफी यंग एज पे था उस समय, और उसकी जो स्टेप मदर थी सौतेली माँ, ये बिल्कुल भी फरीद को पसंद नहीं करती। तो इसके पिता के डेथ के बाद एक्चुअली जो लैंड जाना चाहिए था शेरशाह सूर को, जागीर मिलना चाहिए था, वो इसकी जो सौतेली माँ इसे छीन लेती है। इसके बाद इसके पास कुछ बचता नहीं है और ये बचपन में जो थोड़ा सा यंग एज से थोड़ा टीनेज एज के ओर आता है तो ये बाबर का फोर्सेस ज्वाइन कर लेता है, और जो बैटल ऑफ खानवा हुआ था वहां पे साथ में बाबर के साथ लड़ा भी था फरीद। लेकिन हुमायूं जब थ्रोन पे आया था काफी एरोगेंट था, तो मुगल का सर्विसेस छोड़ के फरीद ज्वाइन करता है सर्विस ऑफ गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार का जो गवर्नर था उसका नाम था बहर खान लोहनी, बहर खान लोहानी, इसका सर्विस ज्वाइन करता है। एक्चुअली फरीद बन जाता है टीचर बहर खान लोनी के बेटे का, जला खान, बहर खान लोहानी का बेटा होता है जला खान, इसका टीचर बन जाता है फरीद। फरीद एक्चुअली कहा जाता है कि जब यंग एज में था उसने एक टाइगर को मारा था और इससे काफी इंप्रेस था तुम्हारा जला खान। जला खान वॉज क्वाइट इंप्रेस बाय नोइंग फरीद हैड किल्ड ए टाइगर, और इसी के बाद उसे टाइटल मिल गया शेर खान का। शेरशाह सूरी इज ऑल्सो नोन एज शेर खान। जब बहर खान मर गया, बहर खान लोहानी मर गया जो गवर्नर ऑफ बिहार है, तो जो इसकी वाइफ है उससे शादी कर लेता है तुम्हारा फरीद। फरीद शादी कर लेता है बहर खान की वाइफ से, मतलब अपने स्टूडेंट के अपना फादर बन गया ये। अब आगे देखते हैं कि शेरशाह जब गवर्नर रहता है तुम्हारा, एक्चुअली बहर खान लोहानी के मरने के बाद वो तो शादी कर लिया तो अब गवर्नर वही हुआ, तो शेरशाह जो है वो मैसेज भेजा हुआ रहता है हुमायूं को कि बिहार और बंगाल में आंख मत लगाओ, बिहार और बंगाल मेरे रूल करने के लिए छोड़ दो तुम। लेकिन हुमायूं को ये बात पचता नहीं है और वो एग्री नहीं करता है, जिसके कारण ही बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज जो ऊपर हम लोग देखे वो होता है और हुमायूं का फेट डिसाइड होता है। हुमायूं भागते फिरता है, शेरशाह हुमायूं को फॉलो करता है इस बैटल के बाद सिंध तक नॉर्थ वेस्ट में, उसके बाद छोड़ देता है। तो अब हुमायूं को निकाल दिया गया है। हुमायूं को निकालने के बाद और दिल्ली के गद्दी पर बैठने के बाद शेरशाह स्टार्ट करता है एकत्रित करना अपना पोजीशन को नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ एम्पायर में। बंगाल बिहार वाला इलाका भी इसके पास है और पूरा नॉर्थ वाला भी इलाका इसके पास। सो बाय 1545 ही हैड एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द सुप्रीम रूलर ऑफ सिंध पंजाब एंड होल ऑफ राजपूताना इन द वेस्ट एंड बंगाल इन द, ये पूरा इलाका का सुप्रीमेसी जो है वो शेरशाह सूरी के हाथ में आता है। अब देखते हैं कुछ काम।
works of Shershah Suri. कुछ वेलफेयर काम इन्होंने किए थे समाज के लिए, जैसे कि काफी रोड्स इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए थे उस समय, जैसे कि पेशावर टू लखनौती तक का रोड है, लखनौती बंगाल में, पेशावर पाकिस्तान में है, इसी को बादशाही मार्ग बोलते हैं अभी. प्रेजेंटली इट इज फेमस एज जीटी रोड और ग्रैंड ट्रंक रोड. ये धनबाद होके गुजरता है, यू शुड नो दैट, झारखंड. तो ये जीटी रोड इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया, बादशाही मार्ग. नेक्स्ट वॉज फ्रॉम आगरा टू जोधपुर टू बरोच गुजरात में, आगरा टू बुरहानपुर महाराष्ट्र, आगरा टू चित्तौर. और हर 3 माइल पे, हर रोड के 3 माइल पे एक सराई, सराई यानी रेस्ट हाउस होता है, इस इंटरवल पे उसने बनवाया था. प्लस इस इंटरवल पे एक पोस्ट ऑफिस भी होता था, जहां पे 2 घोड़सवार हमेशा होते थे. ये रोड है, हर 3 माइल पे एक रेस्ट हाउस और एक पोस्ट ऑफिस. कोई मान लो ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे रुका हुआ इस रेस्ट हाउस में, उसको भेजना है कुछ अपना संदेश कहीं और किसी और शहर में, वहां पे भी रेस्ट हाउस होगा इस रोड पे और पोस्ट ऑफिस. तो 2 घोड़सवार हमेशा रहेंगे इस पोस्ट पर, हर पोस्ट ऑफिस. तो जब ये मैसेज लिख के इसको दिया, ये जाके इसको पहुंचाएगा, फिर ये जाके इसको पहुंचाएगा नेक्स्ट, फिर ये घोड़सवार वो मैसेज जाके इसको पहुंचाएगा, और इस तरह यहाँ पे पहुंच जाएगा हर 3 माइल्स. तो ये सिस्टम था पोस्ट ऑफिस का. उस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसने काफी अच्छे से रीस्ट्रक्चर किया था. रीस्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर का बात करें तो एक अब्बास खान सरवानी नामक व्यक्ति हैं, जिन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर कोई ओल्ड वुमेन, कोई वृद्ध औरत भी एक गोल्ड स्टोन लेके जा रही हो रोड पे रात को, तो ऐसा कड़ा लॉ एंड ऑर्डर था कि कोई उसको छू तक नहीं सकता था, कोई उसको लूट तक नहीं सकता था, इतना कड़ा लॉ एंड ऑर्डर था. प्लस पीपल हैड ट्रेडिंग सेफ्टी, पीपल वहां के लोगों के पास ट्रेडिंग सेफ्टी भी था, क्योंकि उन्हें टैक्स केवल पेशावर और लखनौती में देना होता था. मान लो ये रोड है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, याद करो जीएसटी से पहले हर स्टेट पे रुक के चेकिंग और वहां का टैक्स वैक्स सब कुछ क्लियरेंस करना होता था, बट इनके टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. यहां से मान लो स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, ये पेशावर है और ये लखनौती है, और काफी स्टेट से गुजरना है किसी को अपना ट्रांसपोर्ट लेके, तो ऐसा नहीं था कि इस स्टेज पे भी रुकेगा, इस स्टेट पे भी रुकेगा और टैक्स देगा, ऐसा कुछ नहीं था. पेशावर में टैक्स दिया, एंटर किया, फिर सीधे लखनौती एंटर करने समय, मतलब जहां से ओरिजिनेट हुआ और जहां डेस्टिनेशन हुआ केवल वहीं पे टैक्स लगता था. ही ऑल्सो ब्रॉट न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी ये लाता है, जिसको बोला जाता है जब्ती सिस्टम. सो ही गॉट द लैंड्स मेजर, लैंड को मेजर करवाता है और इंट्रोड्यूस करता है पट्टा एंड कबूलियत सिस्टम, दैट इज कितना टैक्स देगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टैक्स इज नोन एज पट्टा, जो डॉक्यूमेंटेशन हो, और हर एक पीजेंट के पास एक स्टेट का स्टैंप रहेगा, यानी कबूलियत रहेगा, जो कबूल करता है कि हाँ उस राज्य का, इस राज्य के लिए ही करता है और टैक्स पे करेगा इसी राज्य को, इस बात का कबूलियत करता है और उसी का स्टैंप रहता है पीजेंट. He also divided the land into 3 categories. So tax को decide करने के लिए अब हर land पे तो same tax नहीं ले सकता, कुछ अच्छा land होगा, कुछ खराब land होगा. So उसने land को क्या किया, 3 parts में divide कर देते हैं. पहला जो अच्छे land होते हैं, जो काफी high fertile land होते हैं, दूसरा जो average fertile होता है, तीसरा जो खराब land होते हैं, जो low fertile होते हैं. अब क्या था system? कि एवरेज एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ले लिया जाता था कि ये हर लैंड पे कितना एवरेज प्रोडक्शन हो सकता है फ्रॉम द एवर 3 types ऑफ लैंड, और उस प्रोडक्शन का 1/3 एज ए टैक्स इम्पोज कर दिया जाता था उस पीजेंट के ऊपर. प्लस टैक्स कलेक्शन के लिए और लैंड मेजरमेंट के लिए इसने एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया था, जिसको कहते हैं आमिल्स. ये अपॉइंटेड आमिल्स फॉर लैंड मेजरमेंट एंड टैक्स कलेक्शन. प्लस इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है इन आमिल्स को कि जब आप कैलकुलेट करें टैक्स को तो काफी लिबरल रहे, जब फिक्स कर रहे हो टैक्स लाइबिलिटी किसी भी लैंड के ऊपर, किसी भी पीजेंट के ऊपर, तो काफी लिबरल रहे, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती का ज्यादा टैक्स ना थोपा जाए.
लेकिन जब कलेक्शन का बारी आए तब काफी हार्श हो जाना, जितना आप फिक्स करके आए उतना कलेक्ट कर लेना। बट पीजेंट्स वेयर ऑफ देयर ओन चॉइस ऑन मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वो उनके ऊपर था कि वो कैसे पे करना चाहते, कैश में या फिर क्रॉप में। सो अगर कोई क्रॉप में देता है तो उसका कन्वर्जन भी निश्चित करते हैं तुम्हारा शेरशाह सूरी, कि अगर कोई कैश में पे कर रहा है तो उसका तो क्रॉप का एस्टिमेशन हुआ 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन, तो उतना क्रॉप को कन्वर्ट करना है किसमें, कैश में, तो उसके लिए रेट लिस्ट निकाल लेते कन्वर्जन के लिए कितना रेट होगा। बट द रेट वॉज अकॉर्डिंग टू द रेट प्रिवेलिंग इन आगरा एंड दिल्ली। सो पूरा इंडिया है, हर जगह प्रेजेंट है। सो द रेट ऑफ कन्वर्जन, एक केजी आलू का जो रेट ऑफ कन्वर्जन होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू आगरा एंड दिल्ली के दाम पे। जो आगरा एंड दिल्ली में दाम चल रहा होगा, एक केजी आलू को आगरा एंड दिल्ली में 10 रुपया चल रहा है, तो रेट ऑफ कन्वर्जन 10 रुपया का ही चलेगा। बट यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि सब जगह तो सेम रेट नहीं होता है। आगरा एंड दिल्ली यहाँ पे है, कोई बिहार का है, यहाँ पे उग रहा है ज्यादा फर्टाइल लैंड और यहाँ पे काफी सस्ता चल रहा है, 6 रुपए चल रहा है, लेकिन टैक्स तो उसको 10 रुपया पे देना पड़ेगा ना एज ए रेट पे। तो ये दिक्कत यहाँ पे था रेट ऑफ कन्वर्जन। ही ऑल्सो गॉट कंस्ट्रक्टेड ओल्ड फोर्ट, पुराना किला, फेमस है पुराना किला, उसको कंस्ट्रक्ट करवाता है और एक मस्जिद भी एंड ए मॉस्क। मॉस्क का नाम होता है किला ए पुन्हा। ये मॉस्क इसी पुराना किला के अंदर है, इन मेमोरी ऑफ हिज फादर, अपने फादर के याद में ये कंस्ट्रक्ट करवा। रिलीजियस का बात करें, रिलीजियस पॉलिसी का, सो शेरशाह एक्चुअली नेवर डिस्क्रिमिनेटेड अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदू और मुस्लिम को लेकर कभी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं। एक सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द स्टेट बनवाया था, नेचर, सेक्युलर नेचर ऑफ द स्टेट उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। बाय 1545 शेरशाह टर्न टुवर्ड्स बुंदेलखंड, वो बुंदेलखंड के तरफ बढ़ता है उसको जीतने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब वो फोर्ट ऑफ कलिंजार को सीज कर रहा होता है वहां पे, तो उसी समय एक उनके पैर के नीचे ही एक्सीडेंटल ब्लास्ट ऑफ गन पाउडर होता है और वो इस गन पाउडर के ब्लास्ट से ही मर जाते, खुद ही अपना पैर मौत के कुआं में डाल दिए और मृत्यु हो जाता है तुम्हारा शेरशाह सूर का। शेरशाह सूर के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उनका नाम होता है इस्लाम शाह सूर। इस्लाम शाह सूर 1545 से 1554 का टाइम पीरियड है। ये थ्रोन पे आने के बाद सबसे पहले अपना कैपिटल को आगरा से ग्वालियर शिफ्ट करते हैं और जो ट्रेजरी होता है, जो फिनेंस होता है इनका, वो चुनार से ग्वालियर, सब चीज को ग्वालियर शिफ्ट करते हैं, प्लस जो इस्लामिक लॉज था उसको कोडिफाई करते हैं, का मतलब निकालते हैं, उसको चेंज करते हैं, इधर उधर कुछ करते हैं, ताकि जो उलेमाज रखते थे कि जुडिशियल मैटर्स पे उलेमाज का जो डिसीजन है वही आएगा अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, वो खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना इस्लामिक लॉ कोडिफाई करते हैं। प्लस जितना इक्ताज था, छोटा लैंड जो फर्टाइल लैंड इक्ताज वगैरह था, तो वो तो पीजेंट्स का ही था, इक्ताज ये सब पीजेंट्स का ही था, जो दो आपके बीच में होता था एंड ऑल ये सब छोटा छोटा, तो इन इक्ताज को ये एक्चुअली खालिसा में कन्वर्ट करते थे। खालिसा का मतलब क्राउन लैंड, अब ये सरकार का जमीन है आपका नहीं, तो इक्ताज वेयर कन्वर्टेड इन टू खालिसा लैंड। इस्लाम सासुर के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उनका नाम था फिरूज शाह सूरी इन 1554। सो एक्चुअली ही वाज द थर्ड रूलर ऑफ सूर डायनेस्टी और ये बेटा था किसका, इस्लाम सासुर का बेटा था एंड सक्सीडेड हिम इन 1554। जब ये सिर्फ 12 वर्ष का था तभी अपने पिता को सक्सीड करता है, लेकिन फिरूज को कुछ दिन में ही मार दिया जाता है, असैसिनेट कर दिया जाता है उसके कोरोनेशन का बाय शेरशाह सूरीज नेफ्यू। शेरशाह सूरी का एक नेफ्यू होता है मोहम्मद मुबारिज खान, वो इस छोटे बालक की हत्या कर देता है। उसके बाद मुबारिज खान थ्रोन पे आता है एज मोहम्मद आदिल शाह। इस वक्त तक एम्पायर एक्चुअली 3 भाग में टूट जाता है। सो पहला भाग रहता है मोहम्मद आदिल शाह के पास, यही मोहम्मद मुबारिज खान जो फिरोज शाह सूरी का कत्ल किया था।
एंड ही हैड कैप्चर्ड चुनार एंड जौनपुर वाला इलाका. नेक्स्ट वॉज इब्राहिम सासुर, ही हैड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा वाला इलाका. और सिकंदर सासुर, ही हैड कैप्चर्ड पंजाब. एक एक करके तीनों को देखते हैं. So, Muhammad Adil Shah, 1554 से 1555, he was the fourth ruler of the Sur dynasty, जो कि मारा था फिरोज शाह सूर को. एक्चुअली ये काफी पावरफुल होता है क्योंकि इसके पास सपोर्ट होता है इसके मिलिट्री कमांडर का, और वो काफी फेमस है हिस्ट्री में, इज नोन एज हेमू. हेमू, ये नाम याद रखना, आगे भी हम यूज करेंगे हेमू, ताकि बैटल्स में यूज आएगा ये. सो मोहम्मद आदिल शाह का डेथ हो जाता है, उसके बाद इब्राहिम सासुर 1555 में आते हैं. ही वाज द फिफ्थ रूलर ऑफ सूर डायनेस्टी एंड ही कैप्चर्ड एरिया ऑफ पंजाब. ये मोहम्मद आदिल शाह का ब्रदर इन लॉ रहता है. और जो नेक्स्ट रहते हैं वो रहता है सिकंदर सासुर 1555 में ही. ही वाज ब्रदर इन लॉ ऑफ आदिल शाह, ये दूसरे ब्रदर इन लॉ रहते हैं. बाय 1555 में इसको हरा देता है मुगल आर्मी वापस आके, और इस तरह सिकंदर सासुर को वापस शिवालिक हिल्स के टाइप साइड जाना होता है, जो हिमालय का थर्ड रेंज है शिवालिक हिल्स, और इस तरह मुगल जीत के वापस दिल्ली की ओर बढ़ते हैं और थ्रोन को ऑक्यूपाई. तो इस चीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कैसे वापस मुगल्स एंड ऑल आए एंड ऑल, और किस तरह वो दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, यानी हुमायूं का सेकेंड टर्म आता है. So, हुमायूं सेकेंड टर्म वॉज 1555 से 1556 में वो वापस आ. सो ही हैड कैप्चर्ड कांधार विद द हेल्प ऑफ अल्तमश, याद करो पर्शियन किंग अल्तमश, जिसने प्रॉमिस किया था कि वो इंडिया वापस दिलाएगा हाजी बेगम और हुमायूं को. तो उसके मदद से कांधार कैप्चर करते हुए निकलता है वो, और बोल देता है कि अल्तमश को कि आप कांधार पे रूल करो, मैं चला भारत. लेकिन जब वो भारत की ओर चल रहा होता है तो वो एक्सपेक्ट करता है अल्तमश के से कि वो उसको हेल्प करेगा, लेकिन अल्तमश जो है कोई इंटरेस्ट नहीं लेता इन कैप्चरिंग इंडिया, इंडिया को वापस कैप्चर करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है अल्तमश. और इस बात से खफा हुमायूं कांधार वापस छीन लेता है अल्तमश. बाय 1553 हुमायूं अटैक करता है काबुल के ऊपर. और इस वक्त जो तीसरा भाई रहता है हुमायूं का अस्करी, हिंदल और कमरान तो भागा हुआ रहता है, लेकिन अस्करी जो इसका छोटा भाई रहता है वो इसी के साथ रहता है, और इस समय वो अकबर को काबुल लेके आता है. अकबर को भी काबुल लेके वो आता है अपने नानी घर से. और यहाँ पे हुमायूं पकड़ता है किसको, कमरान को, और कमरान को अंधा कर देता है फॉर हिज ट्रेचरी. जो काम उसने पीठ पे छुरा भूखा था उसके पनिशमेंट में उसे अंधा कर दिया जाता है. इन 1554 हुमायूं हैड कैप्चर्ड पंजाब, 1554 तक पंजाब कर लेता है कैप्चर फ्रॉम सिकंदर सासुर, और 1555 में हुमायूं रीकैप्चर कर लेता है दिल्ली एंड आगरा. तो ये जो सेकेंड टर्म रहता है हुमायूं का, ये काफी शॉर्ट रहता है, ये एक साल का ही लगभग लगभग. और इस एक साल में जब वो दिल्ली एंड आगरा पे आ जाता है रूल करता है, इस समय वो काफी अपने पावर को कंसोलिडेट तो नहीं करता है, लेकिन वो काफी बिजी रहता है अपना सपना पूरा करने में. उसका सपना था एक फोर्टिफाइड सिटी बनाने का, जिसका नाम वो रखा था दिनभर. ये फोर्टिफाइड सिटी को बनाने में दिनभर बिजी रहता था. एंड बिफोर कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन ही डाइड, अपने पावर को एकत्रित करने से पहले ही इसकी मृत्यु हो जाती है. एक्चुअली ये सीढ़ी से गिर जाता है, लाइब्रेरी गया होता है पढ़ने के लिए, और उतरते वक्त सीढ़ी से पैर फिसल के मर जाता है. शेर मंडल नाम का जगह है दिल्ली में वहां. इन 1556 ही डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ द लाइब्रेरी. इतने बड़े बड़े मुगल ऐसे ऐसे मर रहे हैं, कोई खुद से ही बम के ऊपर पैर रख दे रहा है, और कोई लाइब्रेरी से गिर के मर जा रहा है. सो नेक्स्ट रूलर ऑब्वियसली अकबर, 1556 से 1605, काफी बड़ा टाइम पीरियड है इनके रूल का, 50 वर्ष. तो काफी बड़ा टॉपिक भी है. अकबर में जाने से पहले किसी को कोई डाउट यहां तक?
या कुछ बोलना है? अगर होगा तो वापस रिकॉर्डिंग देख लेना। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस खत्म करते हैं मुगल का। सो अकबर वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ हुमायूं'स डेथ। जब हुमायूं का मृत्यु होता है लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिर के, उस समय अकबर सिर्फ 13 वर्ष का होता है। जब उसके पिता का मौत, हुमायूं का मौत होता है, उस समय अकबर एक्चुअली कालानूर नाम का जगह पे होता है पंजाब में, और पीछा कर रहा होता है सिकंदर शाह नूर का। और इसी वक्त उसका कोरोनेशन भी, ताजपोशी भी यहीं पे होता है इन कालानूर इटसेल्फ इन 1556 में। बहुत बच्चा रहता है 13 साल का, और इस वक्त उसका कोरोनेशन यहीं पे होता है। सो इट वॉज अकबर ट्यूटर एंड हुमायूं'स फेवरेट एंड कॉन्फिडेंट बैरम खान। अकबर का शिक्षक और हुमायूं का फेवरेट बैरम खान, जो सर्व करता है एज ए रीजेंट। बताए थे कि अगर कोई छोटा एम्परर एंड ऑल, तो उसके बदले जो रूल करता है, सब डिसीजन लेता है ऑन द नेम ऑफ सुल्तान, इज नोन एज रीजेंट। सो मुगल एम्परर अकबर का रीजेंट रहता है बैरम खान फ्रॉम 1556 से 1560 तक। ये 4 वर्ष रीजेंसी का टाइम पीरियड रहता है, और वो एक्चुअली वकील बन जाता है जो डिसीजन लेता है किंगडम के लिए, और उनको टाइटल मिल जाता है खाने खनन का। खनन का टाइटल मिलता है। सो वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ हिज रीजेंसी, बैरम खान का जब रीजेंसी चल रहा था, तो वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स जो था अकबर का उस दौरान, वाज द डिफीट ऑफ हेमू। हेमू याद करो किसका मिलिट्री कमांडर था, याद आ जाएगा। और ये जो बैटल होता है, ये भी पानीपत में होता है, इसी को बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और इसमें अफगान फोर्सेस जो है वो हार जाती है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अकबर अंडर द रीजेंसी ऑफ बैरम खान, इन विच हेमू वॉज डिफिटेड। हेमू अफगान कमांडर वॉज डिफिटेड। और 1556 तक में ही एक्चुअली ये घटना होती है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, और जो सीरियस थ्रेट पहुंचा रहे थे मुगल्स को, ये अफगान्स, वो भी एलिमिनेट हो गए फाइनली। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में एलिमिनेट हो जाते हैं। अब थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं कि अकबर का पीरियड कैसा बीतता है, बचपन से लेकर बड़े होने तक। सो अकबर का जो पूरा रूल का टाइम पीरियड है, दैट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है रीजेंसी ऑफ बैरम खान, जब बैरम खान रीजेंट रहता है अकबर का फ्रॉम 1556 से 1660। बैरम खान के जाने के बाद पीरियड ऑफ पेटीकोट सरकार फ्रॉम 1560 से 1562। यहाँ पे एक्चुअली दो औरतें एज ए रीजेंट काम करती हैं अकबर का, इसीलिए पेटीकोट सरकार। एंड अकबर एज एन इंडिपेंडेंट रूलर फ्रॉम 1562 1605। ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हिस्टोरियंस अकबर के टाइम पीरियड को। सो बाय 1560 अकबर रीच दिल्ली। 1560 में बैरम खान के जाने के बाद, देखते हैं बैरम खान कैसे जाते हैं ये भी देखेंगे। तो 1560 में अकबर को अचानक से सपना आता है कि उसको अब सारा पावर अपने हाथ में ले लेना चाहिए, मजाक कर रहा है। और अकबर जो है दिल्ली से आगरा से दिल्ली पहुंचता है, रीच दिल्ली फ्रॉम आगरा, और अपना इंडिपेंडेंसी घोषित कर देता है कि अब हमको रीजेंट का कोई जरूरत नहीं, अब हम इंडिपेंडेंट ही सारा डिसीजन एंड रूल करेंगे। और उसने सबसे पहले इंस्ट्रक्ट करता है, सबसे पहले गड्डी पे आने के बाद इंस्ट्रक्ट करता है कि कुछ भी हो जाए विमेन और चिल्ड्रन को स्लेव नहीं बनाना है। कोई भी युद्ध के बाद कोई भी औरत और बच्चों को स्लेव नहीं बनाना, ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस था अकबर का आने के बाद, सबसे पहला यही। प्लस जितने नोबल्स थे उनको बोलते हैं कि आप मेरे सामने सरेंडर करो, ताकि आपका जो लॉयलिटी है मेरे प्रति वो सिद्ध हो पाए। बट पता नहीं बैरम खान को क्या होता है, वो रिफ्यूज कर जाता है, बोलता है हम आएंगे ही नहीं, तुम लोग ठीक है जाओ, हम तो आएंगे ही नहीं। तो इससे खफा होकर अकबर पीर मोहम्मद नामक व्यक्ति को भेजता है बैरम खान के पास कि उसे लाया जाए, मेरे सामने पेश किया जाए। और बैरम खान को अकबर के सामने ला के पीर मोहम्मद ने सरेंडर करवाते हैं बिफोर अकबर को काफी बुरा लगता है ये चीज।
और अकबर एक्चुअली से इस उदंडता के लिए पनिशमेंट नहीं देता, बस बोल देता कि तुम चले जाओ मक्का के लिए, मक्का दर्शन के लिए चले जाओ। और बैरम खान अकबर को छोड़ के वापस चले जाता है, तुम्हारे जाने लगता है एक्चुअली मक्का। लेकिन जब वो रास्ते में रहता है तो बैरम खान, तो तुम्हें पता ही हेमू वाले में अफगान्स लोग को मारा था, तो कुछ अफगान्स के द्वारा गुजरात में जहां बहादुर शाह थे वहां पे उन्हें मार दिया जाता है। अफगान्स के द्वारा बैरम खान की मृत्यु हो जाती है रास्ते में। और फिर उसका बेटा, बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम नेक्स्ट वकील बनता है, यानी खाने खनन का टाइटल लेके कोर्ट में रहता। याद रखना ये नाम फिर आएगा तुम्हारा, अब्दुल रहीम। और इस तरह बैरम खान का रीजेंसी खत्म हो जाता है बाय 1560। अब देखते हैं जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है वो है पेटीकोट सरकार। सो पेटीकोट सरकार वॉज द रीन ऑफ डोमिनेटेड बाय द रॉयल लेडीज, रॉयल लेडीज थी उनके द्वारा डोमिनेट किया जाता है ये टाइम पीरियड। सो एक्चुअली दो रॉयल लेडीज रहती हैं जो डोमिनेट करती है इस टाइम पीरियड में। फर्स्ट वॉज महमंगा, महमंगा। सो एक्चुअली ये चीफ नर्स होती है मुगल एम्परर की, ताइमा, उसकी चीफ नर्स रहती है मुगल एम्परर की महमंगा। ये काफी श्रीयुड और एम्बिशियस वीमेन थी, प्लस जो टीनेज अकबर था उसकी पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहती है, पॉलिटिक्स में उसको एडवाइस करती है। एंड अ डी फैक्टो रीजेंट ऑफ द मुगल एम्परर, एक्ट करती है बिना कोई ऑपोजिशन का एज ए डी फैक्टो रूलर ऑफ मुगल एम्परर फ्रॉम 1560 से 62 तक। इसका एक बेटा होता है आदम खान, ADHAMKHA, इनका एक बेटा होता है आदम खान। ये एक्चुअली जनरल होता है किसका, अकबर का। एंड ही वॉज द यंगर सन ऑफ महमंगा, महमंगा का यंगर सन होता है, और इस तरह कह सकते हैं कि वो फॉस्टर ब्रदर रहता है अकबर का। जैसे वो दाइमा थी ना, दाइमा का बेटा हुआ लगभग अकबर का फॉस्टर ब्रदर उसको बोलते हैं, आदम खान। ये भी याद रखना, एक अब्दुल रहीम और एक आदम खान, आगे सीन में ये लोग वापस से आएंगे। सेकेंड जो लेडी थी जो इस वक्त डोमिनेट कर रही थी वो थी हामिदा बानू बेगम, बानू बेगम। शी वॉज वाइफ ऑफ हुमायूं एंड मदर ऑफ अकबर, एंड शी इज नोन बाय द टाइटल मरियन मकानी, मरियन मकानी का टाइटल। एक्चुअली अकबर ने ही ये टाइटल दिया था अपनी माँ हामिदा बानू बेगम, इनका भी थोड़ा डोमिनेशन रहता है इस टाइम। अब अकबर जो थ्रोन पे था ही स्टार्टेड ए पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन आफ्टर ओवरकमिंग इनिशियल प्रॉब्लम्स। तो महमंगा और हमिदा बानू बेगम आती है, वो कंसोलिडेट होता है पावर, बैरम खान चले जाते हैं एंड ऑल, उसके बाद अपना पावर को ये कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं। इस वक्त तक कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ पॉलिटिकल पावर्स होते हैं जो कि फैले हुए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, और इनके इनको चैलेंज कर रहे थे, मुगल एम्परर को चैलेंज कर रहे हो। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम्स था, जैसे कि राजपूत जो कि पूरे कंट्री में फैले हुए थे एज इंडिपेंडेंट चीफ्स एंड किंग्स, क्योंकि बीच में फिर गैप हो गया था हुमायूं वाला, शेर ससुर वाला, तो फिर से ये लोग इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर दिए थे, जब भी कुछ हो तुरंत अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दें। और ये मेनली कन्फाइंड थे तुम्हारा राजस्थान वाला इलाका। सेकेंड थे अफगान्स, जिनका अभी भी कुछ पॉलिटिकल कंट्रोल था तुम्हारा गुजरात बिहार और बंगाल वाला इलाका, प्लस खानदेश अहमदनगर बीजापुर गोलकंडा, ये जो डेक्कन वाला रीजन था साउथ इंडिया में, ये भी काफी पावरफुल हो चुके थे। फिर काबुल एंड कांधार जो सेंट्रल एशिया में थे, दो रूल्ड बाय मुगल फैक्शंस, मुगल के कुछ लोगों के द्वारा रूल किया जा रहा था, लेकिन वो अकबर के प्रति काफी हॉस्टाइल थे, मतलब कभी भी कुछ भी कर सकते थे, उतना भरोसे के लायक नहीं थे वो लोग। तो इसलिए अकबर ने कुछ मिलिट्री कैंपेन्स लेते हैं ताकि अपने पावर को वो कंसोलिडेट कर पाए, एकत्रित कर पाए, इन सब जो भी चल रहा है राजपूत अफगान एंड ऑल डेक्कन में, सब चीज को अपने अंदर ले आए। इसीलिए हम लोग देखेंगे अकबर का मिलिट्री कैंपेन, अकबर्स मिलिट्री कैंपेन। चलो स्टार्ट करते हैं राजपूत से ही। सो एक रूलर थे उदय सिंह, उदय सिंह। Actually, he was the youngest son of posthumous son of Rana Sangha. Rana Sangha सबसे
छोटे बेटे थे उदय सिंह, एक रूलर था बस बहादुर करके, एक रूलर था बस बहादुर करके। ये राजा था मालवा का, जिसको मुगल आर्मी ने हरा दिया था, और ये भाग गया था किसके पास? उदय सिंह के पास। बस बहादुर भाग गया था उदय सिंह के पास। इसी बीच जब मुगल आर्मी एक्चुअली बस बहादुर पे अटैक कर रही होती है मालवा में, तो वहां पे एक रानी रूपमती नामक हिंदू राजपूत सिंगर होती है मालवा की, और एक्चुअली ये प्रेमिका होती है सुल्तान बस बहादुर। इस रूपमती नामक लड़की को कैप्चर कर लेता है आदम खान। आदम खान यानी महमंगा का बेटा, जो जनरल था अकबर का, ये कैप्चर कर लेता है रानी रूपमती, हु वॉज इन लव विथ बस बहादुर। बस बहादुर भाग के पहुंच गया है कहाँ? उदय सिंह के। और रूपमती को आदम खान पकड़ के लेते आता है हरेम में। हरेम इज ए प्लेस ऑफ ऑलमोस्ट प्रोस्टिट्यूशन, तो उस जगह पे पकड़ के ले आता है रूपमती को। शी वाज हिंदू राजपूत सिंगर, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोने के डर से रूपमती खुद को जहर दे देती है और मर जाती है। एंड सी ब्रिंग्स ए फटल एंड टू एन इटर्नल लव स्टोरी। एक वृद्ध व्यक्ति था और काफी रेस्पेक्टेड आदमी था मुगल एम्पायर में, उसका नाम था मोहम्मद अटका खान। मोहम्मद अटका खान ये आदम खान को बुलाता है और डांटता है कि जब अकबर ने बोला है कि किसी भी औरत और किसी भी बच्चे को स्लेव नहीं बनाना, नहीं लाना है, तो तुमने ऐसा क्यों किया? इस तरह डांटता है। डांटने के बाद बोलता आदम खान को कि तुम जो भी लूटे हो, जो भी ट्रेजरी में लाए हो, उसका अकाउंट सबमिट करो हमको। ही वाज ए ट्रेजरर, मोहम्मद अटका खान वाज ए ट्रेजरर। सो आदम खान मना कर देता है अटका खान को जमा करने से कोई भी अकाउंट, और जब फोर्स किया जाता है मोहम्मद अटका खान के द्वारा कि तुम दो, तो उसे छुरा भोंक के मार दिया जाता है। एंड मोहम्मद अटका खान इज स्टैब्ड विथ नाइफ बाय आदम खान। इस बात से अकबर काफी गुस्सा होता है, खफा होता है, और ऑर्डर देता है आदम खान को बुलाने। आदम खान को बुलाने के बाद इतना गुस्सा होता है अकबर कि उसे आगरा के किला से, आगरा फोर्ट से 1562 में फेंक देता है नीचे। एक बार नहीं मरता है, दोबारा ऊपर लाके फिर से फेंकता है और कंफर्म करता है कि इस बार ये मरा कि नहीं मरा। और उसके बाद अकबर क्या करता है, जो महमंगा की दाई माँ थी उसको भी कोर्ट से निकाल देता है। ये एक्सपेल्ड महमंगा फ्रॉम द कोर्ट, और पेटीकोट सरकार जो चल रहा था महमंगा का, महमंगा समाप्त हो जाता, वो निकल जाती है कोर्ट से। नेक्स्ट इधर देखते हैं, फिर इधर उदय सिंह और बस बहादुर के साथ क्या होता है। रूपमती चली गई, महमंगा चली गई। अभी अगर थोड़ा जानना याद रखना है तो जोधा अकबर देख लेना। हाँ, बल्कि उसमें कुछ कुछ गलती है। जोधा तो पहली बात उसकी वाइफ थी ही नहीं अकबर की, तो अभी बता देंगे, देख लेना, आज याद रह जाएगा थोड़ा ये स्टोरी। सो द रेफ्यूजी टू बस बहादुर बाय उदय सिंह वॉज ए कॉस्टली अफेयर फॉर उदय सिंह। अब उदय सिंह को ये काफी महंगा पड़ जाता है कि उसने बस बहादुर को रेफ्यूजी दिया हुआ रहता, शेल्टर दिया हुआ रहता। सो अकबर अटैक मवार इन 1567, और उदय सिंह यहाँ अपना चित्तौड़ वाला जगह को छोड़ के चले जाते हैं गोगुंडा नामक जगह। एक्चुअली चित्तौड़ जिनके हाथ में छोड़ के जाते हैं तुम्हारा उदय सिंह, वो लोकल सेफ्शियंस रहते हैं जिसका नाम जयमाल एंड पट्टा रहता है। ये दो व्यक्ति रहते हैं जिसके हाथ में ये चित्तौड़ का किला छोड़ के चले जाते हैं। ये जयमाल और पट्टा चित्तौड़ के किला को डिफेंड करते करते मुगल आर्मी के अगेंस्ट अपना प्राण त्याग देते, अगेंस्ट मुगल कैंपेन बहुत ही ब्रेवली फाउट करते, जिससे अकबर काफी इंप्रेस होता है। अकबर इनसे इंप्रेस होके इनका स्टैचू बनवाता है अपने आगरा के गेट के बाहर, और जिसको बाद में लेते आते हैं ये लोग दिल्ली का रेड फोर्ट। अगर कोई दिल्ली गए और रेड फोर्ट, तो उसके एंट्रेंस पे ही जो मूर्ति है वो है जयमाल और पट्टा का। फिर अफगान अकबर जो है वो स्टार्ट करते हैं कैंपेन अगेंस्ट अफगान इन गुजरात इन 1572 अगेंस्ट मुजफ्फर शाह। अकबर खुद ही मार्च करता है अहमदाबाद तक, और टाउन को पूरे अहमदाबाद को कैप्चर कर लेता है बिना कोई सीरियस रेजिस्टेंस, उतना कुछ होता नहीं, और तुरंत बहुत आसानी से अकबर अहमदाबाद शहर को कैप्चर कर लेता है फ्रॉम मुजफ्फर शाह। प्लस जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट चला गया, चित्तौड़ तो चला गया तुम्हारा राजपूत के हाथ से, और इस तरह जो फर्टाइल ईस्टर्न बेल्ट था मवार का, वो भी मुगल के हाथ में चला जाता है। इसी समय एक नए रूलर राणा प्रताप
को राजा बनाया जाता है इन 1572। अकबर जो है वो अपना एनवॉयज, अपना दूत वगैरह भेजते हैं राणा प्रताप के पास कि वो उनका वसल बन जाए, उनका सबॉर्डिनेट बन जाए, जैसे कि बाकी सब राजपूत रूलर रीजन में बन गए। लेकिन राणा प्रताप रिफ्यूज कर देते हैं टू पर्सनली सबमिट टू अकबर। और जब वो पर्सनली सबमिट नहीं करते, राणा प्रताप बोलते हैं हम आपके नहीं झुकेंगे, आपको सबमिट नहीं करेंगे, तो वॉर वॉज इनेविटेबल। और इसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है अकबर के पास, वो होता है युद्ध। फिर युद्ध होता है, दैट इज द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी, अकबर और राणा प्रताप के बीच में। दिस इज बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576। सो जो साइट था जहां पर युद्ध होता है, साइट ऑफ द बैटल वॉज नैरो माउंटेन पास, एक छोटा सा पास था माउंटेन का, हल्दी घाटी नियर गोगुंडा इन राजस्थान। तो यहाँ पे जो महाराणा प्रताप की फोर्स थी वो करीब 3000 घोड़सवार थे इनके पास और 400 भील नामक आर्चर्स, एक ट्राइब है भील, उसी के आर्चर्स थे। तो यहाँ पे जो मुगल आर्मी को लीड कर रहे थे वो भी एक राजपूत रूलर थे, वो थे राजा मानसिंह ऑफ अंबर, अंबर नामक जगह के राजा थे, जो कि सबमिट कर चुके थे अकबर के। ये थे राजा मानसिंह, हु कमांडेड एन आर्मी ऑफ 5000 से 10000 आदमी इनके पास थे। इनके पास 3400, इनके पास लगभग 10। सो बैटल जो है करीब करीब 3 से थोड़े से ज्यादा देर तक चलता है और इस बैटल के दौरान जो राणा प्रताप है वो जख्मी हो जाते और उस दिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं राणा प्रताप। कुछ लोग जो राणा प्रताप के साइड में थे वो राणा प्रताप को वहां से बचा के निकाल लेते हैं। मानसिंह उनको चेज करते हैं लेकिन मानसिंह उनको मारते नहीं है, मानसिंह उनको जानबूझ के हिल तक दौड़ा के भेज देते हैं ताकि वो जाके छिप जाए कहीं पे और अगले दिन के लिए वो जिंदा रहे। सो ये जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी था, इट वॉज लाइक ए फ्यूटाइल विक्ट्री ऑफ द मुगल्स, मतलब जीत के भी नहीं जीत पाए थे। क्यों? क्योंकि वो लोग राणा प्रताप को मार ही नहीं पाए थे, राणा प्रताप अभी भी जिंदा है, वो लोग मार ही नहीं पाए थे। However, Mughals were able to capture Gogunda, Kumbalgarh, Udaipur and rest of the Mawar को capture कर लिए। लेकिन एक होता है दिल में खटास रह जाता है कि हम लोग नहीं मार पाए राणा प्रताप। राणा प्रताप जंगल में भटकते रहे उनके कुछ आर्मी, उनके कुछ छोटे मोटे फोर्सेस के साथ। जैसे ही उनको पता चला कि जो अकबर का फोकस है वो चला गया पंजाब की तरफ, राजस्थान से उठ के नॉर्थ वेस्ट पंजाब की तरफ, राणा प्रताप अपने आर्मी के साथ वापस आते हैं और जो वेस्टर्न रीजन है कैप्चर करते हैं, वापस ले लेते। लेकिन शायद किसी को कोई दुश्मनी हो या कौन था ये कथा कथित अभी सिद्ध नहीं हुआ है, महाराणा प्रताप कभी तो सरेंडर करते नहीं मुगल के आगे, लेकिन कोई उन्हें तीर जो मार देता है या फिर तीर पहले कभी लगा हुआ रहता है उनको एक्चुअली जंगल में, सो ही डाइड विथ एन इंजरी, उस तीर के इंजरी से ही मरते हैं। 1597 महाराणा प्रताप डाइड विथ एन इंजरी ऑफ एन एरो, बट ही नेवर सरेंडर टू मुगल्स। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ महाराणा प्रताप। इस तरह देखते हैं काफी जगह को अभी तक अकबर ने अपने अंदर ले लिया है, कंसोलिडेट कर लिया। अब देखते हैं अकबर का कुछ पॉलिसीज। सबसे पहले आता है अकबर का डेक्कन पॉलिसी। अकबर का डेक्कन पॉलिसी, तो 1590 में एक्चुअली अकबर शेप देते हैं डेक्कन पॉलिसी को उसके बाद, ताकि जो डेक्कन के स्टेट्स हैं वो मुगल के कंट्रोल में आ जाए। अभी तक तो राजपूत, अफगान, गुजरात, बंगाल इधर ही थे, अब बात है डेक्कन का। एक्चुअली इस वक्त डेक्कन में ही इंटरनल टेंशन चल रहा था, डेक्कन के ही जो रूलर्स थे वो आपस में ही भीड़ रहे थे। 1591 में अकबर एक ऑफर देता है डेक्कन स्टेट्स को, या तो मुगल का सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया जाए, सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाए, या फिर बी रेडी टू फेस द वॉर। लेकिन कोई सक्सेस मिलता नहीं है इस लेटर से अकबर को, इसलिए अकबर डिसाइड करता है ऑन पॉलिसी ऑफ एग्रेशन। अब एग्रेशन होगा, वॉर होगा। सो 1595 में मुगल फोर्सेस इन्वेडेड अहमदनगर नामक जगह को इन्वेड करता है। उसकी रूलर का नाम होता है चांद बीबी। She was quite
सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग द मुगल्स. तो वो सोची कि सबमिट करने से अच्छा है कि हम मुगल्स को फेस करें. ही डिसाइडेड टू फेस द मुगल्स. और मदद के लिए वो जाती है इब्राहिम आदिल शाह ऑफ बीजापुर के पास और कुतुब शाह ऑफ गोलकंडा के पास कि मेरे को मदद करो अगेंस्ट मुगल्स. लेकिन कोई वहां पे सक्सेस उसे मिलता नहीं. तो ए फियर्स कॉन्फ्लिक्ट, ए बैटल होता है दोनों के बीच में, जहां पे एक्चुअली दोनों साइड की आर्मी को काफी लॉस होता है ऑन बोथ द साइड्स. और कोई डिसीजन नहीं निकल पाता है फाइट का. तो एक ट्रीटी होता है चांद बीबी और मुगल्स के बीच में. और चांद बीबी यहाँ पे डिसाइड कर लेती ठीक है कि बरार नामक जगह मुगल्स को दे दिया जाए. और इस तरह बरार भी मुगल्स के हाथ में आ जाता है, एक डेक्कन का किला. और कुछ रीजन चांद बीबी को ही दे दिया जाता है कि तुम रूल करो. ये था उनका थोड़ा डेक्कन पॉलिसी. चलते हैं देखते हैं रिलीजियस पॉलिसी पे. अकबर का रिलीजियस पॉलिसी एक्चुअली अकबर जो थे काफी लिबरल थे. ये कट्टरपंथी पे विश्वास नहीं रखते थे, ना ही उनको फॉलो करते थे. ये लिबरल इसलिए भी थे बिकॉज अपने बचपन से ही ये सूफी सेंट्स के साथ रहते थे. एक कल्ट है सिखिज्म एंड इस्लाम का, उसको सूफी सेंट्स कहते हैं. काफी लिबरल फॉर्म ऑफ कह सकते हो इस्लाम की, ठीक है. तो वो सूफी सेंट्स थे, जैसे हाजी अली दरगाह एंड ऑल लोग जाते, तो वो सब सूफी का दरगाह है. तो हाफिज एंड रूमी नामक सूफी सेंट होते हैं, जिसके कारण वो काफी टॉलरेंट होते हैं और लिबरल बनते हैं. ये इतना लिबरल रहते हैं कि 1563 में जो पिलग्रिमेज टैक्स होता है कि आपको मानसरोवर का यात्रा करना है या कोई यात्रा करना है तो आपको टैक्स देना होगा, वो टैक्स को एबॉलिश कर दिया जाता है अकबर के द्वारा. ये चीज तुम्हारा जोधा अकबर मूवी में भी मेंशन है, जिसके बाद वो गाना एंड ऑल आता है असीमो शान सहन सावल. So in 1564, he abolished jizya tax bhi hata dete 1564. He also got married with a Rajput princess. Rajput princess se wo shaadi bhi karte hain. Kaafi tolerant hai. Jisko movie mein Jodha Bai dikhaya gaya, she was not Jodha Bai, she was Harkha Bai. Jodha Bai was wife of Jahangir Jodha Bai. Ye Harkha Bai. That is a wrong movie. So Harkha Bai in 1562 mein unse Rajput कन्या थे, उसे शादी कर लेते हैं तुम्हारा अकबर. तो बाय 1575 ही गॉट कंस्ट्रक्टेड इबादत खाना. वो क्या कंस्ट्रक्ट करवाता है, इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में. ये कमरा था, बंद कमरा टाइप का था, जहां पे अलग अलग धर्म के गुरु को बुलाते थे अकबर, और खुद एक घेरा बना के बैठते थे और रिलीजियस लीडर से डिस्कशन करते थे बहुत सारे फिलोसॉफिकल मैटर्स. जैसे कि इन्होंने इन्वाइट किया था हिंदू गुरु पुरुषोत्तम एंड देवी, जैना गुरु विजय प्रभा एंड हरि प्रभा सूरी, पारसी से काफी फेमस महर्जी राणा, अ क्रिश्चियन प्रिस्ट मॉन्सरेट मॉन्सरेट. ये लोग आते थे इबादत खाने में और डिस्कस करते थे. प्लस अकबर कभी किसी रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन से खुश नहीं थे. उनको लगता था कि सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं. इसी कमी को दूरी करने के लिए उन्होंने खुद का एक, पहले उन्होंने एक्चुअली प्रैक्टिस किया सारा रिलीजन, खुद से प्रैक्टिस किया और डिस्कशन, लेकिन सेटिस्फाई हुए नहीं. वो थ्योरी दिए थे सुलह ए कुल का. सुलह ए कुल का मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सब एक ही है सारे धर्म वाले. प्लस 1579 में अकबर इशूड मजहर. मजहर, मजहर नामक एक लिस्ट होता है, उसमें इशू करते हैं नोटिस, कह सकते हैं नोटिस इशू करते हैं. ये नोटिस जो ड्राफ्ट किया गया था, ये शेख मुबारक के द्वारा ड्राफ्ट किया गया. इसमें ये लिखा गया था कि अगर कोई भी इशू है और उस पर जो उलेमास जो डिसीजन लेते हैं, उनका अगर डिसीजन में सारे उलेमास थे, बहुत सारे, एक नहीं कुछ सारे उलेमास थे, अगर वो लोग किसी भी डिसीजन पे यूनानिमस नहीं होते, एकत्रित नहीं होते हैं, उनका व्यू डिफरेंट होता है, तो फिर मुगल मादशाह जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा और बाइंडिंग, वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा सभी. एक बुक है अकबरनामा, This is a biography of Akbar written by Abul Fazl. Abul Fazl ने क्या लिखा है, अकबर ये बताते हैं कि जब वो dissatisfied थे सारे religion से, तो उन्होंने खुद अपना दो धर्म निकाला था in 1582. पहला था दीन ए इलाही और दूसरा था तौहीद ए इलाहीन. ये दो religion था अकबर के द्वारा start किया गया. Plus जब ये religion start करते हैं तो खुद को एक title देते हैं फुर ए इजदी. फुर ए इजदी का टाइटल भी खुद को देते हैं इस धर्म को स्टार्ट करने के लिए. और बोलते हैं
कि इस धर्म को सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो ये चार चीज को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाए अपने एम्परर के लिए। ये चार क्या था? अपने जिंदगी, अपना प्रॉपर्टी, अपना ऑनर और अपना धर्म। जो लोग ये त्याग कर पाए दे आर वेलकम टू ज्वाइन दिस रिलीजन ऑफ। तो अकबर ने क्या किया, इन लोगों को बुलाया कि आओ मेरा रिलीजन को ज्वाइन करो। लेकिन रिलीजन, इस रिलीजन को आप ज्वाइन सिर्फ संडे को कर सकते हो। संडे को आओ कोर्ट में मेरे पास और सशस्त्र लो। सशस्त्र मतलब कि आप झुको मेरे आगे, हम अपना हाथ आपके सिर पर रखेंगे, आशीर्वाद देंगे और आप नए धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। फ्रॉम सुप्रीम गुरु अकबर। सुप्रीम गुरु कौन हुआ इस धर्म का? खुद अकबर। लेकिन सिर्फ 17 लोग ही इस दोनों धर्म को मिला के ज्वाइन कर। Only 17 people joined this religion. क्यों? हो सकता है ये 70 लोग इसलिए भी ज्वाइन किए हो क्योंकि होते हैं ना कुछ लोग जो चाटुकार होते हैं, राजा के इर्द गिर्द घूमते हैं, कुछ पाने के लिए वो मान लेते हैं राजा का हर बात। तो हो सकता है ये 17 लोग वही हो जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। So in 1583 अकबर also issued a new calendar इलाही संवत। एक कैलेंडर भी नया इशू करते, इसका नाम होता है इलाही संवत। और ये था कुछ इनका रिलीजियस। आगे है अकबर का रेवेन्यू पॉलिसी। देखते हैं रेवेन्यू पॉलिसी अकबर का। सो एक्चुअली अकबर अलाउ कर देते हैं जब्ती सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू टू कंटिन्यू। जब्ती सिस्टम कंटिन्यू रहता है अकबर के। 1576 में जितना भी लैंड था अलाहाबाद से लाहौर तक का, सबको भी क्राउन लैंड में कैन खालिशा में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लस नए ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट करते हैं, किसके अंदर? मुजफ्फर बेग और टोडरमल के अंदर, ये दो। और बोलता है कि आपको एक नया सिस्टम निकालना है टैक्स कलेक्शन का। सो जो ऑफिशियल्स होते हैं इनके अंडर, मुजफ्फर बेग और टोडरमल के अंदर, उनको करोरीज बोलते हैं। और इन करोरीज को कलेक्ट करना था 1 करोड़ रुपया पर ईयर। और जिसमें इनका सेटलमेंट के दौरान ये लोग जो नया सिस्टम लाते हैं कलेक्शन का, इट वाज ए क्वाइट सक्सेसफुल। कुछ ही दिन में इतना कलेक्ट हो गया होता है। उसके बाद अब था कि फ्रेम दिया जाए प्रॉपरली, सेटलमेंट का सिस्टम निकाला जाए एंड ऑल। सो ही देन ब्रॉट ए न्यू सिस्टम जिसको 10 साल कहा गया, 10 ईयरली सेटलमेंट। टोडरमल सेटलमेंट नाम से भी फेमस है। इस नाम से टोडरमल सेटलमेंट या फिर 10 ईयरली सेटलमेंट इसको बोलते हैं, 10 साल। ठीक है। तो अंडर दिस सिस्टम द डेटा ऑफ पास्ट 10 ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम ए फार्म वॉज कलेक्टेड। एक फार्म है, पिछले 10 साल में कितना उगा है, क्या उसका कॉस्ट है, सब कुछ यहाँ पे आता है। सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट होता है पिछले 10 साल का डेटा निकाल के, और जो भी आया उसका एवरेज कर दिया जाता था। एवरेज प्रोडक्शन निकाल लिया जाता था पिछले 10 साल का, और उस एवरेज का 1/3 जो है वो एज ए टैक्स फिक्स कर दिया जाता था अगले साल के। पीजेंट्स जो थे उनके पास लिबर्टी था, वो इधर पे कर सकते थे कैश में या फिर काइंड यानी क्रॉप्स। सो अगर कैश पेमेंट कर रहे तो रेट ऑफ कन्वर्जन चाहिए, जो कि डिसाइड होता था प्रिवेलिंग प्राइस का इन लास्ट 10 ईयर्स इन लोकल मंडी। मतलब इस इलाका का जो लोकल मंडी में पिछले 10 साल से प्रिवेलिंग प्राइस है, उसी चीज का एवरेज निकाले फिक्स करता। पहले याद करो कि सिर्फ आगरा और दिल्ली वाला था, वो तो बताए थे किस तरह गलत था। लेकिन यहाँ पे अकबर क्या करता है, तुम्हारा इस लोकल मंडी में जो प्रिवेलिंग प्राइस है उसका करता है। लेकिन वही बात है कि लैंड तो सब जगह सेम होगा नहीं। सो एक्चुअली ही हैड डिवाइडेड लैंड इन 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में इन्होंने लैंड को डिवाइड किया हुआ। पहला वाला को इन्होंने बोला पोलज। पोलज उस लैंड को बोला जाता था जहां पे 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स उगाया जाता था एक ही साल। ये एक लैंड है तो पहला सीजन मानसून का आ गया, दूसरा ऑटम का आ गया, तो दोनों ऑटम में मान लो इस लैंड पे अलग अलग क्रॉप्स उगता, तो एक ही साल में क्या हुआ, 2 डिफरेंट या 2 से ज्यादा क्रॉप्स उगा रहे हैं, ऐसे लैंड को कहा गया पोलज। नेक्स्ट था परती। लैंड विच वॉज लेफ्ट अनअटेंडेड फॉर 1 ईयर आफ्टर 2-3 ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि अगर एक लैंड है, अगर हम 2 से 3 साल तक खेती कर रहे हैं इस लैंड पे, उसके बाद हम इसको 1 साल के लिए छोड़ दे ताकि ये फर्टिलिटी वापस गेन कर पाए, फिर अगले 2-3 साल तक इस पर खेती करें। तो ऐसे टाइप ऑफ लैंड को हम लोग बोलते, ये लोग बोलते थे कैटेगराइज एज परती। नेक्स्ट वाज छछर, CHSCHR छछर।
लैंड विच वॉज कल्टिवेटेड वंस इन 2 to 3 years. इसका मतलब अगर ये लैंड है, हम एक साल इसमें कल्टिवेशन किए, उसके बाद इसको 2 से 3 साल छोड़ दें. परती में था कि सिर्फ एक साल छोड़ते थे और 2 से 3 साल कल्टिवेट, ये जस्ट उल्टा, 2 से 3 साल छोड़ दिया और 1 साल कल्टिवेट किए. ये था छच्छर. इसके बाद आता है नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी, दैट इज बंजर, BANZAR, बंजर. लैंड विच वॉज कल्टिवेटेड इन एवरी 5 years. सिंपल है, जो हर एक 5 साल में ही कल्टिवेट हो, यानी काफी इनफर्टाइल लैंड होगा तभी तो बंजर बोलता है. तो फॉर रीजन लाइक राजस्थान एंड मुल्तान, जो काफी बंजर वाला इलाका है, इसके लिए टैक्स रेट था 1/4 ऑफ प्रोडक्शन जो एवरेज कैलकुलेट किया गया, और बाकी सब के लिए, तीनों पार्ट के लिए जो छच्छर, परती, पोलज में थे, उसके लिए 1/3 फिक्स कर दिया. दो शब्द आते हैं अकबर के तुम्हारा इस पॉलिसी में, एक कंकुत एक नसक. कंकुत क्या था कि स्टैंडिंग क्रॉप, जो क्रॉप दिख रहा है खेत में, ठीक है, उसका असेसमेंट कर लिया जाता था और उसके बाद टैक्स लायबिलिटी फिक्स कर, मतलब पता है कि हाँ इतना है, दिख रहा है हमको स्टैंडिंग क्रॉप जो उगा हुआ है ऑलरेडी, तो उसको गिन लो कितना है, प्रोडक्शन पता चली जाएगा और लायबिलिटी टैक्स फिक्स. एक था नसक, टैक्स लायबिलिटी ऑफ पीजेंट वाज फिक्स्ड ऑन बेसिस ऑफ रफ एस्टिमेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस. अगर ये एक लैंड है, इसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, उसी के बेसिस पर रफ एस्टिमेट कर लो, अच्छा इतना हो गया और उसके ऊपर फिक्स. तो इस टाइप का भी कुछ कुछ सेटलमेंट्स आया था इनके टाइम. लेकिन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर का अगर कुछ फेमस था तो वो था मनसबदारी सिस्टम. तो आप लोग देखेंगे अकबर का मनसबदारी सिस्टम क्या था. तो मनसबदारी सिस्टम यानी एडमिनिस्ट्रेशन लगभग कह सकते हो, सिस्टम ऑफ यूनिफाइड ब्यूरोक्रेसी. सिविल ऑफिशियल्स एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था इस सिस्टम में. ये सिस्टम जो बेस्ड था मनसबदारी, दिस वॉज बेस्ड ऑन मंगोल डेसिमल सिस्टम, जहां पे रैंक मिलता था लोगों की, आप इतने रैंक है, इतने रैंक है. जहां पे अकबर के समय पे 10,000 जो था वो हाईएस्ट कमांड रैंक था, और जिसको 10,000 का रैंक मिल गया उसको टाइटल भी मिलता था खान का. खान वाज ए टाइटल. उसके बाद ही खान लोग हैं, शाहरुख खान, ये सब देखते, सलमान खान, वही खान टाइटल है. सो द रैंक्स वेयर गिवन इन मल्टीपल्स ऑफ 10 और 100. 10 और 100 के ही मल्टीपल्स में ये रैंक दिया. अब जो ये मनसब सिस्टम था, इसमें दो प्रकार का रैंक होता था, उसको भी पर्टिकुलर सब डिवाइडेड किया गया था 2 types ऑफ रैंक्स. तो जो पहला टाइप था उसको बोलते हैं जट रैंक, और दूसरा था सवार रैंक. सो कोई अगर आदमी जट रैंक का है तो इट सिग्निफाइड द पोजीशन ऑफ मनसबदार इन ऑफिशियल हायरार्की. ऑफिशियल हायरार्की में किस पोजीशन पे है उस मनसबदारी में, ये उसको बताता था. उसका जो पर्सनल सैलरी है और जो नंबर ऑफ एनिमल्स उसको रखना है, ये सब पता रहता था उसको. लेकिन वो हॉर्स को मेंटेन नहीं कर सकता था. वहीं जो सवार रंग का आदमी था, इसको नंबर ऑफ कैवलरी यानी ये हॉर्स रख सकता था, और कुछ नंबर दे दिया गया था कि इतना नंबर ऑफ हॉर्सेस आपको रखना है. सिंपल डिफरेंस है, जाट रैंक वाले हॉर्स नहीं रख सकते थे, बाकी एनिमल और सैलरी मिलता था, सवार रैंक वाले को हॉर्स रख सकते थे. फर्दर 3 categories ऑफ मनसबदार थे. इन्हीं मनसबदार्स को अब जाट रैंक और सवार रैंक को 3 category में बांटा गया है. वो टाइप्स थे, ये कैटेगरीज. पहले वो मनसबदार थे जो कि कैवलरी मेंटेन करेंगे डबल ऑफ सवार रैंक. एक कैटेगरी था जो कि मेंटेन करेगा इक्वल टू सवार रैंक, और एक कैटेगरी था जो कि लेस देन सवार रैंक का घोड़ा मेंटेन करेगा. मतलब इसमें दे दिया गया कि 100 घोड़ा, तो पहला कैटेगरी ऐसे मनसबदार थे जो कि 200 रखेंगे, इसके डबल. एक था जो कि 100 ही रखेगा एक कैटेगरी, और एक था कि जो 100 से कम रखा है. तो उस टाइप का 3 category का मनसबदार को डिवाइड कर दिया गया था सवार रैंक वाला लोग. Hence the total payment was decided on the above ranks. रैंक के हिसाब से ही सभी को पेमेंट होता था, जो इस रैंक का उतना ज्यादा पेमेंट. अब जो सवार रैंक था वो कभी जट रैंक से ऊपर नहीं हो सकता, मतलब जट रैंक विल बी ऑलवेज हायर देन द सवार रैंक. अकबर जो है कभी भी किसी को भी 5,000 से ज्यादा का रैंक नहीं देते थे, एक्सेप्ट 2 persons. उनके टाइम पे केवल 2 persons थे जो 5,000 से ऊपर के रैंक के थे, वो थे मान सिंह और मिर्जा अजीज, जिनके पास 7,000 का रैंक.
और जितने छोटे मनसबदार थे उनके पास 1000 से नीचे का था। जो छोटे मनसबदार थे 1000 से नीचे वाले डॉल, उनको जो पेमेंट मिलता था वो कैश में मिलता था, और जो हायर मनसबदार थे उन्हें जागीर दिया जाता था कि लैंड। तो ये जागीर का एक्चुअली कैलकुलेशन बना हुआ रहता था इस लैंड का, कि इससे कितना इनकम आएगा उसका एस्टिमेट क्या हुआ था। ये जागीर दे दिया जाता था हायर मनसबदार को कि जाओ उतना ही तुम्हारा एस्टिमेटेड इनकम है और वहां से अपना पेमेंट कलेक्ट। ये था थोड़ा मनसबदारी सिस्टम। इसके बाद फेमस है नवरत्नाज ऑफ अकबर, नवरत्न अकबर के कोर्ट के नवरत्न। देखते हैं ये कौन नवरत्न। सबसे फेमस नवरत्न जो है अकबर के कोर्ट के, उनका नाम है राजा बीरबल। अकबर बीरबल की कहानी आपने सुनी होगी बहुत, राजा बीरबल। तो बीरबल जो थे ही वाज ए ग्रेट सिंगर, सिंगर भी थे एंड पोएट इन मुगल दरबार, प्लस ये मास्टर थे संस्कृत पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज में भी। कोर्ट में एडवाइजर यानी कोर्ट जेस्टर, कोर्ट में कोई प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व करना एंड ऑल, वो काम क्या करते थे अकबर के कोर्ट। लेकिन इनका मृत्यु हो जाता है वो जब अफगान से लड़ाई था ऊपर वाला, उन्हीं अफगान ट्राइब से लड़ाई करते वक्त इनका मृत्यु हो जाता है राजा बीरबल का। नेक्स्ट फेमस नवरत्न ऑफ अकबर इज तानसेन, इसका भी नाम सुने होगा आप लोग। तो ये क्या था, म्यूजिशियन इन कोर्ट था, और ये इसलिए यादगार है क्योंकि उसने एक एपिक, एपिक मतलब जैसे महाभारत रामायण है ना, ये सब भी एपिक है, उसी तरह एपिक लिखा था ध्रुपद कंपोजिशंस। बहुत सारे नए राग, राग होता है सिंगिंग में रागाज, वो क्रिएट किए थे इन्होंने, और दो क्लासिकल बुक्स भी लिखा है म्यूजिक के ऊपर, श्री गणेश स्तोत्र और संगीता सार। ये दो फेमस तुम्हारा क्लासिकल बुक्स भी लिखा गया है ऑन म्यूजिक बाय तानसेन। नेक्स्ट थे अबुल फजल, नेक्स्ट थे अबुल फजल। सो अबुल फजल जो थे ही वाज द ऑथर ऑफ अकबरनामा, जो कि एक बायोग्राफी था तुम्हारा अकबर का, और एन ए अकबरी, दो बुक लिखा गया अकबर के ऊपर बाय अबुल फजल। प्लस ही इज आल्सो नोन टू ट्रांसलेट बाइबल इनटू पर्शियन लैंग्वेज। अब पढ़ाई लिखाई तो आता नहीं था अकबर को, और कोर्ट में आसानी के लिए बाइबल को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट वाज फैजी। फैजी जो था ये कोर्ट पोएट था, जिसने एक संस्कृत वर्क है मैथ्स में, उसको बोलते हैं लीलावती। लीलावती इज ए संस्कृत वर्क इन मैथ्स बाय भास्करचार्य। भास्करचार्य नामक व्यक्ति ने संस्कृत में मैथ का बुक लिखा था लीलावती, उसको कन्वर्ट कराते हैं पर्शियन में बाय फैजी। नेक्स्ट फेमस वाज राजा मानसिंह, ये क्या था, जनरल था अकबर आर्मी में। राजा तोदरमल, तोदरमल सेटलमेंट देखे ऊपर हम लोग, ही वाज ए फाइनेंस मिनिस्टर इन द कोर्ट। नेक्स्ट वाज मुल्ला दो प्याजा, एडवाइजर टू अकबर। फकीर अजियाउद्दीन, ये एक सूफी मिस्टिक एंड एन एडवाइजर था, तो जादू वाला, जादू टोना वाला भी था प्लस एडवाइजर भी था। ही यूज टू गिव अकबर एडवाइस ऑन रिलीजियस, रिलीजियस मैटर्स पे एडवाइस देने का काम फकीर अजियाउद्दीन का। और जो नौवां नवरत्न था वो था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम याद करो, बैरम खान का बेटा, अब्दुल रहीम खान ए खनल, सन ऑफ बैरम खान, नोन फॉर हिज उर्दू कपलेट्स, उर्दू कपलेट्स के लिए जाना जाता है, एंड हिज बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, और अपना बुक भी लिखा है बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी। जो बाबर नामा बुक था ना, जो बाबर के बायोग्राफी है, तो वो लिखा गया था एक्चुअली छगतई लैंग्वेज में, छगतई लैंग्वेज, इसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं अब्दुल रहीम। इसने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं एस्ट्रोलॉजी पे, हीरो टू बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि खेता खौतम, खेता कौतुकम, फिर एक है द्वात्रिम सद्यो गवली, द्वात्रिम सद्यो गवली, ये दो बुक रिटन बाय अब्दुल रहीम खाने, और इस तरह अकबर खत्म होता है। तो अब मुश्किल से 15-20 मिनट का क्लास होगा, तो वेट करना, और मुगल एम्पायर खत्म हो जाए। अकबर के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं पता ही होगा, जहांगीर। इनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1605 से 1627 के बीच। जहांगीर का असली नाम होता है सलीम, प्रिंस सलीम। ही वाज सन ऑफ हरखाबाई। सो जब ये थ्रोन पे आता है, जो रिलीजियस पॉलिसी था अकबर का, उसमें कोई चेंज नहीं करता है, नॉट चेंज रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। लेकिन दो जगह एग्जाम्पल मिलता है जब ये रिलीजियस बिगॉटरी यानी कट्टरपंथी का एग्जाम्पल देता है। जैसे कि इसने एक ज्वालामुखी टेम्पल है नगर कोट में, कांगड़ा नाम का जगह है वहां पे, तो
तो बीच मंदिर में कैंपस में उसने एक बफेलो को काट दिया, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, पुष्कर टेम्पल है राजस्थान में काफी फेमस, वहां पे जो ब्रह्मा का मूर्ति है उसे भी तोड़ दिया था इसने। तो मोर एंड लार्ज जहांगीर डिसाइडेड टू फॉलो अकबर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। अकबर जो एक्सपेंशन करना चाह रहा था तुम्हारा डेक्कन वाला इलाका में, उस चीज को कंटिन्यू करना चाहता है जहांगीर, लेकिन जहांगीर उतना सक्सेस पा नहीं सकता है तुम्हारा इस चीज, बहुत सारे इश्यूज था। He also could not devote much of his time in crucial phase due to Prince Khurram mood. Plus ये जो भी कामकाज था, expansion and all, ये सब चीज में काफी focus नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसका जो बेटा था वो काफी थोड़ा नालायक हो गया था और अपने पिता के अगेंस्ट ही बहुत ज्यादा रिवोल्ट कर रहा था। इसका नाम था प्रिंस खुर्रम, also famous as Shahjahan, Prince Khurram. During the reign of Jahangir, he had got installed bells. जब जहांगीर था उसने क्या किया, अपने ये पूरे शहर में जगह जगह पे बड़े बड़े घंटी लगवाए गए थे और उससे एक रस्सी भी खींचा गया था। इसको कहा गया था बेल ऑफ जस्टिस, मतलब किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, रात को प्रॉब्लम हो रहा है चलने में या फिर किसी ने लूट रहा है, जाके दौड़ के ये घंटी बजा दो, बेल ऑफ जस्टिस, आपको न्याय मिल जाएगा तुरंत दरबार। जहांगीर कोई भी नया टेरिटरी, कोई भी नया इलाका डेक्कन से मुगल एम्पायर में जोड़ नहीं पाता है, बल्कि उल्टा डेक्कनी रूलर जो है मुगल अथॉरिटी को अपने स्टेट्स में कमजोर कर देते। तो ही प्रूव टू बी लाइक सो-सो रूलर, उतना कुछ खास कर नहीं पाते हैं। हाँ, पेंटिंग म्यूजिक एंड ऑल वाला इलाका में ये काफी अच्छा करते हैं आर्ट एंड कल्चर में। नेक्स्ट जो रूलर आते हैं वो है शाहजहां यानी प्रिंस खुर्रम, 1628 से 1658 के बीच। एक्चुअली शाहजहां के चार बेटे होते हैं और तीन बेटियां होती हैं। तो जो सबसे बड़े बेटे होते हैं शाहजहां का, उनका नाम दारा सिको होता है। तो हर बेटा चाह रहा था कि वो राजा बने शाहजहां के बाद, और हर एक भाई को एक उसकी बहन सपोर्ट कर रही थी, जैसे कि दारा सिको वाज सपोर्टेड बाय सिस्टर जहान नारा, औरंगजेब जो दूसरा बेटा था ही वाज सपोर्टेड बाय सिस्टर रोशन नारा, मुराद बख्श वाज सपोर्टेड बाय सिस्टर गौहर नारा, और जो चौथा सबसे छोटा बेटा था उसका नाम शाह सुजा था, ये इसके लिए कोई बहन बची, तीनों बहन सपोर्ट करती। सो यहां पे हम लोग देखते हैं कि शाहजहां का सबसे मेन कंसर्न था कि जो डेक्कन का टेरिटरी जा चुका है उसको कैसे वापस लिया जाए, इसके वापस मुगल के अंदर लाया जाए। He believed that independence of Ahmednagar was in the way of Mughal control in India. उसका मानना यह था कि अहमदनगर नामक जगह जो डेक्कन में है वही एक बाधा बना हुआ है मुगल का कंट्रोल में डेक्कन में। So he decided to isolate Ahmednagar. अहमदनगर को isolate करने का कोशिश किया। Win over Bijapur and Marathas in which he was successful. Marathas और Bijapur के ऊपर भी success पा लेता है तुम्हारा शाहजहां। लेकिन जो डेक्कन के साथ conflict होता है वो कंटिन्यू रहता है, वो समाप्त नहीं होता है। 1636 में फाइनली हार के एक ट्रीटी साइन होता है बीजापुर एंड गोलकंडा के साथ इनका, लेकिन ये ट्रीटी बाद में खत्म हो जाता है क्योंकि डेक्कन के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी मुगल्स जो हैं काफी सक्सेस पा लेते हैं साउदर्न इंडिया में एक्सपेंड करने का, ये ट्रीटी को खत्म कर देते हैं और उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग कि एक्सपेडिशन करते हैं शाहजहां और साउथ इंडिया तक पहुंच जाते हैं। तो अभी तक देखे थे मुगल्स जो भी ट्रीटी करते थे उसके साथ वो लोग फॉलो करते थे उस ट्रीटी को, कभी भी धोखा वाला काम नहीं करते थे ट्रीटी को तोड़ना। लेकिन यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट चेंज देखने को मिला मुगल पॉलिसी में इन 1656 एंड 57, जब वो जो डेक्कन के साथ जो ट्रीटी हुआ था उसको ये लोग इग्नोर करते, और इग्नोर करके शाहजहां अपने बेटे जो सेकेंड वाले बेटे थे औरंगजेब उसको बोलते कि तुम जाओ डेक्कन और वहां जाके कॉन्कर करो और सारे टेरिटरीज जो है डेक्कन किंगडम्स के हैं उसको एनेक्स करके मुगल एम्पायर में मिला लो। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ये आर्ग्यू करते हैं कि ये जो पॉलिसी में चेंज हुआ शाहजहां का और मुगल्स का, ये इसलिए हुआ क्योंकि साउथ में काफी ज्यादा रिसोर्सेस था, काफी ज्यादा चीज था, वैल्यूएबल मटेरियल्स था डेक्कन स्टेट्स में, जिससे मुगल्स को और खजाना मिल सकता था। लेकिन ये जो चेंज हुआ पॉलिसी में इससे मुगल एम्पायर का कुछ बेनिफिट होता नहीं है, बल्कि ये नया नया प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है फ्यूचर में तुम्हारा मुगल एम्पायर के। तो बात करते थोड़ा मुमताज का।
एक्चुअली जब मुमताज जिंदा थे और शाहजहां की जिंदगी में थी, तो शाहजहां उस समय काफी रिलीजियस बिकॉटरी पॉलिसी अपना रहा था, मतलब काफी कट्टर था जब मुमताज जिंदा थे। क्यों? क्योंकि वो उसके इन्फ्लुएंस में था, मुमताज भी कट्टर थी, तो उसके चक्कर में हमारा शाहजहां भी कट्टरपंथी पे उतर गया। ही इवन डिड नॉट अलाउड हिंदूज टू हैव मुस्लिम्स टू हैव अ स्लेव, हिंदू अलाउ नहीं करते थे कि वो मुस्लिम स्लेव रखे, नॉट डिड ही अलाउड हिंदू टू कीप मुस्लिम, कोई हिंदू मुस्लिम वाइफ भी नहीं रख सकते थे। ये एक रिलीजियस कन्वर्जन डिपार्टमेंट भी बनाए थे, धर्म परिवर्तन डिपार्टमेंट भी बनवाए थे, और इसमें अवार्ड दिया जाता था उन लोगों को जो हिंदू से या फिर कोई और धर्म से इस्लाम में कन्वर्ट होते थे। इन्होंने एक अच्छा काम किया था, अच्छा बोल सको, हाँ अच्छा ही काम था, कि सिजदा और पाइबोस को इन्होंने बैन कर दिया था, वो झुक के जो सलाम ठोकना हुआ और पैर चूमना हुआ मोनार्क का, वो एबॉलिश कर देते हैं। साथ ही अकबर का जो इलाही संवत कैलेंडर था ना, जो इशू किया था, उसको भी खत्म कर देते हैं और अपना एक नया कैलेंडर लाते हैं, हिजरी संवत करते हैं। ये एक इस्लामिक कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर को, तो ये चीज दर्शाता है कि इनका कट्टर पंथी। लेकिन जब मुमताज का डेथ हो जाता है, मुमताज के मरने के बाद शाहजहां जो है अपने सबसे बड़े बेटे के इन्फ्लुएंस में आता है, जिसका नाम होता है दारा सिको, अपने सबसे बड़े बेटे के इन्फ्लुएंस में आता है दारा सिको, ये भी काफी लिबरल रहता है, और इसके इन्फ्लुएंस क्योंकि ये भी सूफी सेंट्स के एंड ऑल के साथ घूमते रहता था बचपन से, दारा सिको इसी लिबरल था, और इसके इन्फ्लुएंस में आने के बाद शाहजहां भी लिबरल हो जाते हैं। लिबरल होने के बाद शाहजहां जितना भी बिगॉटरी पॉलिसी जो मुमताज के इन्फ्लुएंस में वो फॉलो किया करते थे उसके प्यार में, ये बिगॉटरी पॉलिसी सारा खत्म करते हैं, बोलते हैं अभी मेरा दिमाग ठिकाना आया और अब हम इसम हटाते हैं। 1636 में शाहजहां राजपूत एंड ऑल तुम्हारा बीजापुर गोलकंडा ये सब के साथ ट्रीटी करते हैं, उनके साथ एनेक्स जो उनका था औरंगजेब को भेजे थे एनेक्स करने के लिए। अब तो लिबरल हो गए, भाई अब छोड़ो क्या एनेक्स करें, अब हम लोग ट्रीटी कर लेते, समझौता कर लेते हैं। शाहजहां अपने मरने वक्त दारा सिंह को अपने सबसे बड़े बड़े बेटे को डिसाइड करता है कि उसे बनाया जाए नेक्स्ट मुगल एम्परर एज इज सक्सेसर, और उसे मनसबदारी दे देता है 60,000 का। याद करो अकबर 10,000 से ज्यादा नहीं देता था, फिर भी 7,000 ही हाईएस्ट था, इसने 60,000 का मनसबदारी दे दिया अपने बेटे दारा सिको को। और इस बात से खफा हो गया तुम्हारा औरंगजेब, औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता है, जिंदा पीर, और औरंगजेब को ये बात खटक गया। अब देखते हैं औरंगजेब और सब भाई ने मिलके कैसे हथियाते हैं तुम्हारा दिल्ली का दंडी। सो इस वक्त तक हम लोग को पता है कि औरंगजेब वॉज द गवर्नर ऑफ डेक्कन, एक भाई डेक्कन का गवर्नर, शाह सुजा वॉज गवर्नर ऑफ बंगाल सबसे छोटा बेटा, और जो मुराद था ही वॉज गवर्नर ऑफ गुजरात। तो तीनों मिलके कॉन्स्पायर करते हैं कि अपने बड़े भाई दारा सिको को हटाना है और आगरा की तरफ तीनों मिलके बढ़ते हैं। ये बात पता चलते साथ दारा सिको अपना बेटा सुलेमान सिको को भेजता है कि जाओ शाह सुजा को खत्म करो, लेकिन उसी बीच औरंगजेब जो है वो आगरा पहुंच जाता है, वो तो उसका बेटा चला गया उसको शांत कर, सुलेमान सिको चला गया तुम्हारा सासुजा को, और इधर तब तक औरंगजेब पहुंच जाता है तुम्हारा आगरा, और यहाँ पे दो बैटल होता है एक के बाद एक बिटवीन दारा सिको एंड औरंगजेब। पहला बैटल का नाम है बैटल ऑफ धर्मत जो अप्रैल में होता है 1658 में, और दूसरा बैटल का नाम है बैटल ऑफ समूगढ़ जो मई 1658 में। पहला बैटल में कुछ डिसाइड हो नहीं पाता है, कोई जीत नहीं पाता है, अनडिसाइडेड, लेकिन जो सेकेंड बैटल होता है इसमें दारा सिको हार जाता है और अपने फैमिली के साथ एलोप यानी भाग जाता है, छिप जाता है भाग के, और औरंगजेब अपने आप को कोरोनेट कर लेता है, ताजपोशी अपना कर लिया, और अपने पिता शाहजहां को जेल में बंद कर देता है कि जाओ तुम बैठ के ताजमहल देखो जेल से। लेकिन दारा सिको जो है वो तो अभी भी जिंदा है, सो वो एक और चांस लेते हैं, बैटल ऑफ देवरिया होता है, देवरिया जिला, मैच मार्च 1659। सो इट वाज आल्सो फॉट बिटवीन औरंगजेब एंड हिज ब्रदर अगेंस्ट ट्राइबल प्रिंस दारा सिको। इस बैटल में भी मुगल एम्परर औरंगजेब जीत जाता है और ये कंफर्म कर देता है कि वही इस गड्डी के लायक है और वही इस गड्डी पे रूल करे, और इस तरह जो है नाउ वी विल अर्ली मुगल्स का लास्ट रूलर, लेटर मुगल्स तो मॉडर्न में पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे देखते हैं औरंगजेब, और आज का यही लास्ट टॉपिक भी होगा।
औरंगजेब का जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1658 से 1707 में तक ये रूल करते, काफी ज्यादा समय है। He got himself coronated twice. एक तो देखे पहली बार जब वो coronate किया ही खुद को, जब तुम्हारा पहला वाला बैटल में इसको हराया था तुम्हारा दारा सिको को 1658 में, और दूसरा बार coronate करता 1659। ये जब थ्रोन पे आता है ये काफी कट्टरपंथी रहता है, रिलीजियस बिगोट्री पॉलिसी अपना। इसने जो अकबर ने जजिया हटाया था रीइंपोज कर देता जजिया, प्लस इसका मानना यह था कि हिंदुस्तान जो कि बाबर के द्वारा एक्चुअली नाम दिया गया था और अब तुम्हारा मुगल्स के द्वारा हिंदुस्तान बोला गया था, तो हिंदुस्तान जो है वो है दर उल हर्ब। क्या कहना था, हिंदुस्तान जो है दैट इज दर उल हर्ब। दर उल हर्ब का मतलब लैंड ऑफ काफिर, हम लोग जो है हम लोग काफिर, लैंड ऑफ काफिर। और औरंगजेब का सपना था कि ही विल मेक हिंदुस्तान दर उल इस्लाम, मतलब एक इस्लामिक स्टेट लगभग बना देगा वो भारत को, ये उसका सपना था। प्लस ही ऑल्सो किल्ड मैनी शियाज टू, ये सुन्नी था ये शियाज को भी मार देता था। ही एबॉलिश द सिस्टम ऑफ तुलादान एंड झरोखा। एक्चुअली अकबर के समय पे ये था कि अकबर के जन्मदिन के ऊपर तराजू में एक साइड अकबर और एक साइड उनके वेट के बराबर धन एंड ऑल ये सब होता था, और उस धन को उनके बर्थडे के दिन जितने भी पब्लिक है उसमें बांट दिया जाता था। प्लस ऐसा था अकबर के टाइम पे कि वो रोज सुबह को खिड़की के पास आते थे, तो लोगों का मानना था कि अकबर का अगर सुबह सुबह चेहरा का दर्शन हो जाए तो उनका पूरा दिन खुशहाल बीतता था, उसको बोलते थे झरोखा दर्शन। और उसके बाद ये शाहजहां एंड ऑल भी फॉलो करते थे जहांगीर, लेकिन औरंगजेब आने के बाद बोला कि नहीं ना ये तुलादान होगा ना ही झरोखा होगा, शायद औरंगजेब को अपना ही शकल पसंद नहीं हो, इसीलिए हो सकता पता नहीं। सो ही एनफोर्स्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन हिंदू फेस्टिवल्स, हिंदू लोग जो फेस्टिवल मनाते थे उसके ऊपर भी काफी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, क्यों, क्योंकि बोलते थे उसमें बहुत तामझाम होता है, पॉम्प एंड शो होता है। प्लस जो भी आर्टिशंस थे म्यूजिशियंस थे, इसको म्यूजिक आर्टिस्ट पेंटिंग ये भी पसंद नहीं था, उनको बोला तुम लोग निकलो, तुम लोग का कोई काम नहीं है कोर्ट में। लेकिन अपने मृत्यु के करीब जब वो लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में थे, उन्होंने खत लिखा अपने बेटों को और बोला कि जो हम गलती किए हैं अपने समय में वो गलती नहीं दोहराना हो सका। लास्ट लास्ट तक वो औरंगजेब लिबरल हो गए। लेकिन उनका पॉलिसीज का बात करें तो औरंगजेब बिलीव्ड इन एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स डेक्कन, डेक्कन के प्रति वो एग्रेसिव पॉलिसी रखते थे। Apart from Deccan, Aurangzeb was also able to expand Mughal power up to Assam. Deccan के अलावा वो अपना Mughal power को Assam तक भी फैला दिए थे, तुम्हारा Northeast region. So कह सकते हैं Aurangzeb के time पे जो Mughal empire था वो अपना greatest territorial limits तक पहुंच गया, सबसे बड़ा। मतलब आज का, and it covered almost the whole of present day India, जो आज का present day India देख लो लगभग लगभग वो सारा कवर करते थे औरंगजेब के टाइम। लेकिन इनके रीन के समय में अगर लंबा बहुत बड़ा अगर टेरिटरी है तो रिवोल्ट्स भी बहुत ज्यादा होंगे, तो उसके टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर रिवोल्ट्स भी हो रहे थे बहुत जगह से, जैसे कि मराठास एंड ऑल। सो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था औरंगजेब के आगे, मराठास। ये हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे मराठास एंड ऑल। सो मराठास पोस्ड ए मेजर चैलेंज टू द सॉवरेनिटी ऑफ द Mughals under Aurangzeb. Deccan states had also put up a stiff resistance against Mughal expansion plans. So resistance mil raha tha tumhara Deccan states ki taraf se. Aur Aurangzeb ke baad ke jitne Mughals hai wo sab hum log padhenge ek chapter decline of Mughals karke modern India mein wahan pe, aur is tarah tumhara topic khatam hota hai early Mughals ka. Kal hum log start karenge tumhara regional kingdoms in medieval. I think we should